अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह सवेरे पाकिस्तान और खूबसूरत सुबह और खूबसूरत हफ्ते का आगाज़ आज से हो गया क्योंकि मंडे है और वीकेंड के बाद जब हम अपने अपने कामों की तरफ बढ़ते हैं तो एक नई मोटिवेशन के साथ बढ़ते हैं, एक नई जोहद के साथ बढ़ते हैं और एक नई जद्दोजहद होती है हमारे जहन में कि हमें क्या करना है अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी का हमारा मकसद क्या है जिसको हासिल करने के लिए हम एक बार फिर से ख़ुद को मोटिवेट करते हैं क्योंकि मंडे होता है, एक नए हफ्ते का आगाज़ हो चुका होता है। मगर अमूमन ये भी हमें देखने में आता है ख़ासतौर पर हमारी नौजवान नस्ल में कि आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहते हैं बट इन फैक्ट आपके एम्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है आप ये नहीं जान पाते। हमें लगता है कि हर सुबह एक जैसी है, हर शाम एक जैसी है, रात को हम सो जाते हैं और मगर इस तरह से नहीं हो पाता। ज़िंदगी में एक मकसद होता है जिसको हासिल करना बड़ा ज़रूरी होता है और बहुत सारे लोग हैं जो कि शिकवा कर रहे होते हैं अल्लाह से और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी किस्मत का शिकवा लेकर बैठे होते हैं कि ज़िंदगी में हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें शायद ये मालूम नहीं होता कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। तो कोशिश करें कि आपके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, आपके अंदर का जो स्ट्रेस है वो किस तरह से रिलीज़ हो सकता है जब आपको पता होगा कि आपने इस डगर पर चलना है, आपका ये रास्ता है, आपकी ये मंजिल है और उसको हासिल करने के लिए इसी रास्ते पर चलते हुए चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, चाहे उसमें कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, आपको यही रास्ता तय करना है और अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करना है। ये तो हो गई आज की अच्छी बात, मगर इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि देख रहे होंगे या पिंक रिबन जो कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है अपने साथ। इस पिंक रिबन का मकसद क्या है आपने हमारे कल वाले शो में भी देखा, ख़ास तौर पे पिंक रिबन से रिलेटेड हमने बात की थी। बहुत सारे लोग हैं जो कि शायद अवेयर नहीं है पिंक रिबन कैंपेन के हवाले से। ये अक्टूबर का महीना चूँकि चल रहा है और ख़ास तौर पे अक्टूबर के इस महीने को ब्रेस्ट कैंसर यानी कि छाती के सरतान के साथ आगाही के हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाती है, ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ जिनके अंदर अवेयरनेस की बड़ी अशद ज़रूरत है, जिनको पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है और इस बीमारी से ख़ुद को कैसे बचाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी छाती के अंदर होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जानते बूझते हुए हम इसलिए इग्नोर कर रहे होते हैं कि आई डोंट नो ये क्या है। और बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि हम लोग मौलिज के पास जाने से घबराते हैं, राबता करने से घबराते हैं और शायद हम सोचते हैं कि हम किस तरह से बात करेंगे, कैसे की जाएगी, कैसे नहीं की जाएगी, मगर आपकी ज़रा सी एहतियात, बिल्कुल ज़रा सी एहतियात आपको इस खामोश कातिल से बचा सकती है। ये खामोश कातिल है छाती का सरतान, ब्रेस्ट कैंसर। पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन मौजूद हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारी माएँ हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की इस वक्त रेशो है दुनिया भर में और ये बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल है क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं होते। आपको ज़रा सा भी अगर महसूस हो, अपनी छाती में कोई भी आपको इशू लग रहा हो, आपको ज़रा सी भी कोई गिल्टी महसूस हो रही हो या आपको थोड़ा सा इनबैलेंस फील कर रहे हो कि आपकी छाती के अंदर बैलेंस मौजूद नहीं है तो कोशिश करें कि आप किसी मौलिज के पास जाएँ। और बच्चियाँ तो घर पर भी ये मुआयना अपना कर सकती हैं लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो मौलिज के पास जाएं और जाकर इससे मुतालिक अवेयरनेस हासिल करें। तो होपफुली कि वो तमाम लोग, वो तमाम ख्वातीन जो मुझे इस वक्त देख रही हैं, सुन रही हैं, वो आज ही से इस अज़्म का इजहार भी करेंगी, इस मकसद को लेकर चलेंगी कि वो लाजमी साल में दो या तीन दफ़ा अपने मौलिज के पास जाएंगी और ब्रेस्ट के हवाले से जो है अवेयरनेस हासिल करेंगे। चलिए इस अच्छी बात के साथ ही, चूँकि हमारी सुबह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ख़ूबसूरत सुबह में मौसम का बड़ा अमल दखल होता है कि आपका मौसम कैसा होगा। पूरे हफ्ते को हम डिज़ाइन कर लेते हैं मंडे के मौसम के साथ ही और हमें यही होता है कि जी मंडे को अच्छा चल रहा है, अच्छा पूरे हफ्ते में कैसा चलेगा। तो चलिए मंडे का मौसम मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले लाहौर का, लाहौर का तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच भी होने वाला है, इससे मुतालिक मैं बात करूँगी, मगर लाहौर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 18 रहेगा और मैक्सिमम 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद में थोड़ा सा कम है दर्जा हरारत मगर मौसम बेहद हसीन है क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है कम से कम दर्जा हरारत तो 17 रहेगा और मैक्सिमम 27 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कराची वालों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है मगर जो डिग्रीज इस वक्त हमारे पास हैं आज पूरा दिन में कराची के मौसम के हवाले से उसमें काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि मूड आपका बेहतर रहेगा क्योंकि कराची में इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत तो सारा दिन में 24 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।
मजे की बात यह है कि लाहौर और पिशावर का सेम टू सेम मौसम रहेगा। पिशावर में भी जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 18 रहेगा और मैक्सिमम 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दिन भर मौसम बेहतरीन रहेगा। अब बात हो जाए कुछ कोयटा शहर की, कोयटा वालों के लिए भी खबर यह है कि मौसम बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि कोयटा के अंदर कम से कम दर्जा हरारत 12 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जो लोग तो इस वीकेंड को आज़ाद कश्मीर में गुजार के आए डेफिनेटली उनको अंदाज़ा होगा कितना खूबसूरत और हसीन मौसम है, मगर जो नहीं जा सके उनको मैं फिर बता देती हूँ आज के रिपोर्ट क्या है। आज़ाद कश्मीर जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 10 रहेगा और मैक्सिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। फिर पाकिस्तान में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जिस तरह से मैंने मौसम के हवाले को शेयर करते हुए लाहौर के हवाले से खासतौर पर बात की थी, तो लाहौर की ख़ास बात यह भी है कि आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो दूसरा T20 है वो खेला जाएगा। और पहले T20 में तो हमें काफ़ी ज़्यादा जोशो खरोश नज़र आया, शायकी ने क्रिकेट बड़ी तादाद में स्टेडियम का उन्होंने रुख भी किया। मौसम के भी तेवर काफ़ी ज़्यादा हमें बदले हुए महसूस हुए उस दिन भी और आज भी मौसम कुछ ऐसा ही हमें महसूस हो रहा है। तो लेट्स सी कि आज मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी और किस किस्म का मैच हमें देखने को मिलेगा। हमारी नुमाइंदा दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। दुआ, मैच से रिलेटेड तो मैं बात करूंगी, मगर मुझे ये बताएं कि मौसम के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस हैं, कोई ख़तरा तो नहीं है, बारिश वारिश हो जाएगी और मैच मुतासर होने का कोई ख़तरा हो? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार तो हुआ था और ऐसा लग रहा था कि आज सुबह से ही मौसम ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की गई है और अभी भी आप मुझे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी धूप है कि मेरी आँखें भी पूरी नहीं खुल रही, तो मौसम जो है वो कदर बेहतर तो होगा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और अगर मैच की बात करें तो जो पहला मैच हुआ उसमें आपने देखा कि शाइकी ने क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद थी और बहुत जोशो खरोश था। पहला मैच पाकिस्तान हारा तो सही, हाँ। लेकिन जो स्टेडियम में जोशो खरोश था वो बहुत ज्यादा था क्योंकि लोग श्रीलंका को भी सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, मैंने खुद देखा था, खुद देखा था कि श्रीलंका को भी बड़ा सपोर्ट किया जा रहा था शायकीन ने क्रिकेट की तरफ से और बाकायदा श्रीलंका के झंडे उठाए हुए थे उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, मगर पहला मैच तो पाकिस्तान हार गया, मोरल कुछ डाउन तो नहीं हुआ होगा हमारे शायकीन ने क्रिकेट का? ये आपको लग रहा है कि आज हमें पहले T20 की नस्बत ज्यादा लोग नजर आएंगे स्टेडियम के अंदर और ज्यादा जबरदस्त किस्म का मैच देखने को मिलेगा? सरवत, बात ऐसी है कि हम इस वक्त लाहौर में खड़े हैं और जिंदा दिलाने लाहौर तो हमेशा मेहमान नवाज होते हैं, इसलिए वो इस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ कर गए थे और वो बहुत खुश थे। एंड तक हमने देखा जब श्रीलंका जीता तो बड़े पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा नारे लगा रहे थे श्रीलंकन टीम के लिए और पाकिस्तानी टीम के लिए भी, तो पाकिस्तानी भी जो थे पाकिस्तानी प्लेयर्स थे उन्होंने बिल्कुल ये अज़म उठाया हुआ था कि अगला मैच वही जीतेंगे और अगर पाकिस्तान आज मैच नहीं जीतता तो पूरी सीरीज श्रीलंका के नाम हो जाएगी। लेकिन आज पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई है कि वो अपना बेस्ट देंगे और आज परफॉर्म करेंगे और शाइकी ने क्रिकेट कल भी परसों के बाद पर भी हमें बहुत ज़्यादा पुरजोश नजर आया और आज भी सारी टिकटें बिक चुकी हैं। आज भी यही देखेंगे हम कि कजाफी स्टेडियम खचा खच भरा होगा और अभी से कुछ देर बाद ही लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे और हल्ला गुल्ला भी करेंगे, सेल्फी सेशंस भी होंगे, इसके अलावा जो है वो ट्रेंडिंग भी होगी सोशल मीडिया पर। अगर आपने देखा हो तो बहुत बड़ी तादाद एक नजर आई है लाहौर की। ऐसा कैसे मुमकिन है दुआ कि लाहौर के अंदर मैच हो और शायकीन हमें नजर ना आए और जबरदस्त किस्म की वहां पे हमें लोगों की तरफ से एक्साइटमेंट नजर ना आए? यकीनी तौर पर मैच कोई भी जीते हम ये चाहते हैं कि श्रीलंकन खिलाड़ी यहाँ से बहुत ज्यादा अच्छी यादें लेकर जाए, चाहे जीत उनके नाम हो या पाकिस्तान के नाम हो। डेफिनेटली वो हमारे मेहमान है। बहुत शुक्रिया दुआ, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपडेट किया T20 जो खेला जाएगा पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच। तो लेट्स सी कि आज किस किस्म का हमें मैच देखने को मिलेगा। मगर एक और मैच है जो कि चल रहा है जिसमें हमें नजर आ रहा है कि डेंगू का मच्छर जो है वही जीतता चला जा रहा है, जबकि वो लोग जो कि इससे मुतासर हो रहे हैं वो हारते चले जा रहे हैं। इस हार और जीत में हुकूमत क्या इकदाम कर रही है ये जानने की कोशिश करेंगे, मगर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि हुकूमत की तरफ से बहुत सारे ऐसे इकदाम थे जिनके दावे किए गए थे कि जी किए जा रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी भी डेंगू पर उस तरह से कंट्रोल नहीं हुआ। क्या इंतजार किया जा रहा है कि सर्दियां आ जाएं तो मौसम कुछ बेहतर हो, डेंगू का मच्छर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद खत्म हो जाए? क्योंकि इस वक्त जो डेंगू के मरीजों की कुल तादाद है मुल्क भर के अंदर वो 22,000 से तजावुज कर चुकी है। एक बार फिर से हमारे साथ मुआविन खसूसी बराए से है डॉक्टर जफर मिर्जा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अगेन हमें सुबह पाकिस्तान में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, लास्ट टाइम भी आपसे जब बात हुई थी उसके बाद आपने बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अपडेट किया गया था, मगर अनफॉर्चुनेटली डेंगू कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्या इंतज़ार किया जा रहा है कि मौसम कुछ ठंडा हो जाए?
शुक्रिया जी बहुत बहुत। मैं आज आपसे इस्लामाबाद के गिरदो नवा में एक बेसिक हेल्थ यूनिट है वहाँ से आपको आपके प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ जी। जहाँ तक डेंगू का ताल्लुक है दो चीज़ें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ जी। पहली बात जो कि एक मुस्बत चीज़ें हैं, पहली चीज़ ये है जी कि इस वक्त तकरीबन हमारे पास जितने पेशेंट्स आ रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर तकरीबन उतने ही डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। तो मतलब ये कि ये जो आप फिगर यूज़ करते हैं ना कि 22,000 से तजावज़ कर गए, ये 22,000 किसी एक वक्त में नहीं होते पेशेंट्स, ये एक्यूमुलेटिव फिगर होती है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द आउटब्रेक। अच्छा दूसरी बात ये जी जी अच्छा दूसरी बात ये है कि एक जो मुस्बत चीज़ अब हमें मिल रही है वो है पॉजिटिविटी। मतलब ये कि आपके हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स आते हैं कि उनको ये शक होता है कि उनको डेंगू हो गया है, उनकी उनमें से जितने फिर पॉजिटिव निकलते हैं यानी कि जिनको डेंगू है, ये तादाद तकरीबन 45% थी एक हफ्ता पहले। कल ये तादाद जो है ये 28% है। इसका मतलब ये है कि इसकी तादाद में, इसकी पॉजिटिविटी में कमी आ रही है। इसके अलावा आपने कहा कि हुकूमत के अपने हवाले से जो इकदाम हैं, तो इस वक्त मैं आपको इस्लामाबाद की बात बता सकता हूँ कि तकरीबन हमारी 70 से 75 के दरमियान टीम्स हैं जो कि केस रिस्पॉन्स कर रही हैं। मतलब ये कि जब भी कोई पेशेंट दाखिल हो जाता है या उसकी तशखीस हो जाती है डेंगू के लिए, तो वहीं से उसका एड्रेस लेके टीम जो है उस इलाके में चली जाती है और पूरी फ्यूमिगेशन और स्प्रेस वहाँ पे करती है। ठीक है, तो मतलब आप यही कर सकते हैं डेंगू के सिलसिले में। डेंगू इस वक्त, आज अगर आज की एक न्यूज़ आइटम है वाशिंगटन पोस्ट की जो ये भी है कि पूरी दुनिया में डेंगू के जो पेशेंट्स हैं वो सारे मुल्कों के अंदर वो बढ़ रहे हैं। ये इसका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से भी है, इसका ताल्लुक और दूसरे जो अवामिल हैं इस वक्त ग्लोबलाइजेशन के हवाले से उनके साथ भी ताल्लुक है। तो इस वक्त मैं हुकूमत की तरफ से बड़े पुरअतमाद तरीके से आपको ये बता सकता हूँ कि जो किया जाना चाहिए वो हो रहा है हमारे SOPs के। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक और भी बात आप प्लीज़ बताइएगा। आपने कहा कि घरों के हवाले से जब हमें कोई भी इस तरह की सूरत हाल का सामना होता है टीम्स वगैरह को भेजा जाता है। मैं खुद अभी चूँकि वीकेंड गुजरा है, हर शख्स की ख्वाहिश होती है और कोशिश भी होती है कि अपनी फैमिली के साथ पार्क वगैरह का रुख किया जाए, तो पार्क्स के अंदर आप लोगों के क्या इकदाम हैं, किस तरह से आप लोग वहाँ पर ये पूरी चीज़ों को फैला रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं? क्योंकि मैं कल खुद एक पार्क में गई हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो रहा था जहाँ पर जानवरों को पानी दिया जाता है, फ्रेश वाटर होता है वहाँ पर, और लोगों की बहुत बड़ी तादाद होती है जो कि मौसम भी इंजॉय करने आती है और पार्क के माहौल को भी इंजॉय करने आती है। तो वहाँ पर तो हमें हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इकदाम नज़र नहीं आता और मच्छरों की बहुत भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। हाँ जी, असल में जी बात यह है कि इसकी प्रिवेंशन के हवाले से जिस तरह आपने फरमाया जी, एक हम कहते हैं माहौलियाती मैनेजमेंट या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जी, वो इस पूरी प्रिवेंटिव कम्पेन का हिस्सा है। और मुमकिन है कि आप जिस वक्त गई उस वक्त वहाँ पे आपको धुआं नज़र नहीं आया, लेकिन ओवरऑल स्वीपिंग जो है पूरे इलाके की जाती है और उसके भी औकात मुकर्रर हैं। सुबह के वक्त और शाम के वक्त इस मच्छर की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है और उस वक्त ये जो फ्यूमिगेशन है ये की जाती है। तो उसके लिए पूरा एक प्लान है जी और वो किया जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से इस सिलसिले में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ठीक है, लेकिन जो वाटर पार्क से डॉक्टर साहब, उनके लिए आप लोगों के क्या इकदाम हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर तो रोज़ाना की बुनियाद पर फ्रेश वाटर भी डाला जा रहा होता है, लोग जो हैं वो आपको पता है कि किस किस्म का लिबास ज़ेब-ए-तन करते हैं और फिर स्विमिंग पूल्स की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर हुकूमत क्या कर रही है जी? वहाँ पे भी मतलब मैं आपको इस्लामाबाद का बता सकता हूँ, पंजाब में भी ये हो रहा है मुझे पता है। तमाम ऐसी जगहें जो वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे वहाँ पे स्पेशली स्प्रे किए जाते हैं और डेफिनेटली वहाँ पे भी ये इकदाम किए जा रहे हैं जी। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये भी आप प्लीज़ बताइए कि एक तो आइंदा के लिए क्या लाहे अमल आप लोगों की तरफ से अपनाया जाएगा और अभी तक क्या आप लोगों की टीम्स बैठकर ये डिसाइड कर रही हैं कि डेंगू पर कब तक कंट्रोल कंप्लीट हो पाएगा, ये जो अभी एक फर्स्ट सीजन चल रहा है इसका? जी जी, ये सबसे अहम बात है जी मेरे ख्याल में, क्योंकि हमें मौजूदा आउटब्रेक से को स्टडी करना है और इससे जो हमारी लर्निंग्स हैं उसकी बुनियाद पर अगली प्लानिंग करनी है। मेरे नज़दीक
ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और हमने इसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। इसके लिए जी पहली बात ये है कि हमें बिल्कुल पूरे साल में किसी वक्त भी इसको इसमें जो एक्टिविटी होनी चाहिए उसको नीचे नहीं आने देना चाहिए। मतलब ये कि जहाँ जहाँ पानी खड़ा है, जहाँ जहाँ गुंजान आबादियाँ हैं और वहाँ पे ऐसे तारीख गोशे हैं और ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे इस मच्छर के अंडों को या इसके लार्विस को या मच्छरों को उनकी बेहतरी करने की ज़रूरत है, वो जारी रहेगा। हम इस सिलसिले में इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी गवर्नमेंट का प्लान है, जिसमें कि हेल्थ के लोग अब शामिल होंगे और इन डेंगी और दूसरी भी अमराज जो हैं जो कि वेक्टर बॉर्न हैं, जिसमें मलेरिया भी है, तो वेक्टर बॉर्न है मतलब कि मच्छर की वजह से या दूसरे कीड़े मकोड़ों की वजह से जो वायरस फैलता है इंसानों के अंदर, तो उसकी बेहकुनी के लिए भी एक पूरी वेक्टर एक पूरी प्लानिंग हो करेंगे इस तरह जी। चलिए इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब कि आप लोग जो इकदामात करने जा रहे हैं वो आवाम को भी पसंद आए और डेफिनेटली आवाम की मुश्किलात भी कम है। बहुत शुक्रिया अगेन आपको दुआ डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, कोशिश के सुबह सुबह पाकिस्तान में दोबारा से लें और हिस्सा बनाए अपने शो का। इसके साथ ही अभी ब्रेक का वक्त हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू होती है और शायद मैं कहूँ कि ये ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब आपने कुछ डिसाइड करना होता है मगर अनफॉर्चुनेटली आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और ख़ास तौर पर वो चीज़ें, वो ज़हानत, वो तमाम सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी हुई होती हैं, उनको किस तरह से जज किया जाए और किस तरह से पता चल सके कि आपके अंदर क्या करने की सलाहियत है, आपके अंदर किस चीज़ के लिए टैलेंट मौजूद है और उसको एक्सप्लोर कैसे करना है, उसको किस तरह से आपने प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आने, ये सारी चीज़ें होती हैं। कई लोग होते हैं जिनको बड़ा पता होता है कि जी हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मगर तरीक़ेकार उनके जहन से बिल्कुल गायब होता है। वो नहीं जानते कि वो ज़िंदगी में क्या करने आए थे, क्या करके जा रहे हैं और सारी ज़िंदगी वो सिर्फ़ एक मायूसी का पहलू अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं। इस तरह मेरे बहुत सारे देखने वाले जो कि शामिल होना चाहते हैं इस टॉपिक में और अपनी कामयाबी या अपनी जहानत या अपने छुपे हुए टैलेंट से मुतालिक बात करना चाह रहे हैं, डेफ़िनेटली वो हमें कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ यहाँ पर जो मेहमान हैं उनसे राय भी ले सकते हैं या अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका जवाब भी ले सकते हैं। तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा देती हूँ। सबसे पहले अक्सर हमारे शो का हिस्सा बनते हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं अली अब्बास साहब, थैंक यू सो मच अली आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ राना अदील साहब हैं, ये एजुकेशनिस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इनके हमरा मंसूर आजम काजी साहब हैं, ये सीनियर एंकर पर्सन हैं और आप इनको टीवी स्क्रीन पर अक्सर देखते हैं शो करते हुए। तो चलिए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर जो छुपी जहानत होती है, आपका जो टैलेंट होता है, उसको किस तरह से बाहर आना चाहिए। अली सबसे पहले आप मुझे बताएं पता कैसे हो भी आपके अंदर कोई जहानत है अभी कि नहीं? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, सैयदना मुहम्मदिन वाले टैलेंट से एक स्टेप पहले का जो है वो सेल्फ का है। पहले सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सप्लोरेशन वो ज़रूरी है, उसके बाद वो सेल्फ टैलेंट को जज कर सकती है। सबसे पहले इंसान को मकसद हयात का पता होना चाहिए कि मेरा दुनिया में आने का क्या मकसद है, मुझे खुदा ने क्यों भेजा है और ये कैसे होगा। आप जब एक्सप्लोर करेंगे दुनिया को और फिर कायनात को, दुनिया के बेहतरीन मुकामात का जब आप विज़िट करेंगे, जब आप सहराओं पे जाएंगे, समंदरों में जाएंगे, दरियाओं में जाएंगे, आप पहाड़ों में जाएंगे, तब आपको खुदा की कुदरत के नज़ारे जो हैं वो मिलेंगे और आप अपने आप को रिलेट करेंगे कुदरत के साथ। ये जो आपने गुफ्तगू की है ना अली, मैं यहीं से आपसे आगाज़ करूँगी, लेकिन हमारे पास आपके कुछ माइक में इशू आ रहा है तो कुछ ही लम्हात में हम अली की तरफ जाते हैं। यही क्वेश्चन आना दिल साहब मैं आपसे करूँगी, तो आप बताएं इसका किस तरह से पता चल सकता है? देखिए, जैसे अली अब्बास साहब ने भी ये बात कही है कि सेल्फ अवेयरनेस के उन्होंने वर्ड एक बहुत खूबसूरत यूज़ किया। जब तक हमें अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस का अंदाज़ा नहीं होगा, हम बेहतर तरीके से कोई डिसीजन करने में कामयाब नहीं होते। अब ये डिपेंडेंट है कि हम किस एज में अपने टैलेंट को या किस एरिया के अंदर हम बहुत अच्छा परफॉर्म करना कर सकते हैं, सलाहियत रखते हैं, तो किस तरह से हम उसको ग्रेजुअली जज करने में कामयाब होते हैं। जैसे अगर हम बचपन से अपनी लाइफ को या अपने मामलात को या अपने दाएं बाएं में जो भी हमारे बच्चे हैं या छोटे बहन भाई हैं उनको हम देखते हैं और वो ग्रेजुअली जब ग्रोन अप करते हैं तो उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उनका इंटरेस्ट किस एरिया में, और इंसान बड़ा बखूबी अंदाज़ा कर सकता है, बट उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जब तक वो सोचने का आंसर उसकी ज़िंदगी में नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम जब कोई काम करते हैं उसको हम एवेल्यूएट नहीं करते,
موسٹ آف دی ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچنے کا کام سب سے کم کرتے ہیں اور ہر وقت ہم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. بالکل بالکل. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کس ڈومین میں کس ڈائریکشن میں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. تو جب تک ہم سوچنا شروع کریں گے اور ساتھ ساتھ جو جو ہمیں اپرچونیٹیز ملتی ہیں, سم ٹائم لائف میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں بٹ سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس کائنات میں مختلف صلاحیتیں دے کے بھیجا. اگر وہ صلاحیتیں جاننے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے بیسٹ آف دی بیسٹ جو ہے وہ اللہ پاک کی نعمت کا کوئی اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا. اچھا منصور قاضی صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں, اب جس طرح سے رانا دل صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ ہم لوگ سوچتے کم ہیں, بس کرنے کی بات کرتے رہتے, کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے. اب بہت سارے بچے ایسے ہیں, بہت سارے خواتین, بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں جو مجھے شاید دیکھ کے کہنے کے بات کر رہے ہوں کہ بھائی مجھے بھی ہوسٹنگ کرنی ہے. آپ کو دیکھنے کے بعد شاید بڑے لوگ انسپائر ہوئے اور نوجوانوں نے کہا نہیں ہمیں بھی اینکر ہی بننا ہے. تو یہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ پہلے خود کو جان تو لیں آپ کیا ہے, یا آپ کا یہی کام میں کہ آپ نے کسی دوسرے کو دیکھا اور خود بھی کود گئے کہ مجھے یہی کام کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹلی جی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. اور یہ دو تین چیزیں میں آئی جسٹ وانٹ ٹو اس کو تھوڑا سا اکٹھا ملاتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے اپنی زندگی میں آپ کو کون سی وہ چیزیں ہیں, وہ کام ہیں جن کو کر کے آپ خوش ہوتے ہیں, جن کو کر کے آپ کمپلیٹ فیل کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ میں مکمل ہو رہا ہوں, میں کچھ ایک اچھا کردار ادا کر رہا ہوں. یہ سب سے پہلی ڈیفائننگ مومنٹ ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. پھر سیکنڈ سٹیپ آتا ہے کہ آپ نے اس میں آگے کیا کرنا ہے. انفارچونیٹلی آپ جس طرح بات کر رہی ہیں, ابھی 90% لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی ہم نے اینکرز بننا ہے. میں ایک ایگزامپل شاید کسی دوسرے کو دیکھ کے مجھے یہی بننا ہے. اب مطلب آئی ول بی ویری آنیسٹ, ونس آئی واز کمنگ ان دا مارننگ تو میں ابھی وہی بات آپ سے بھی کر رہا تھا کہ آئی ایم شیور آپ صبح 6 بجے اٹھی ہوں گی اور اس کے بعد یو مسٹ بی گیٹنگ ریڈی فار آل دیٹ. ہم لوگ اگر کرنٹ فیز کر رہے ہوتے ہیں دا ہول ڈے وی آر اسٹارٹنگ اینڈ آل دیٹ, تاکہ وی شوڈ بی اپ ٹو دا مارک ود ایوری تھنگ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ صرف اس وقت جو چیز چل رہی ہوتی ہے اور ہماری آنکھوں کو جو اچھی لگ رہی ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں اپنے آپ کو, وچ از رانگ, وچ از ناٹ واٹس ریالٹی از. آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے صرف اس لیے مت کریں کہ یہ انسان کر رہا ہے اور یہ اچھا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر سکتے ہو جو اس سے بہت بہتر ہو, لیکن آپ نے اپنے مائنڈ کو سٹک کر دیا. اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے ہماری گرومنگ کا, ہمارے پیرنٹس کا, ہمارے ٹیچرس کا, ہمارے اسکولس کا. ہمیں بچپن سے ایک چیز ماں باپ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ تم نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے. وہ بچہ 5 سال کا ہے بھائی, اس کو بڑے ہو کے بننا ہے, اس کو پہلے بڑا تو ہو لینے دو, اس کے انٹرسٹ تو دیکھ لو وہ کہاں پر ہے. اس کو آپ کے بچے کو کرکٹ پسند ہوگی, آپ اسے کہیں گے نہیں بیڈمنٹن کھیلو, بیڈمنٹن پسند ہوگی نہیں کرکٹ کھیلو. بھائی ہو سکتا ہے اس کو سوئمنگ پسند ہو, سملرلی ہو سکتا ہے اس کو انجینئرنگ پسند ہو. وہ جو فیملیز میں ہوتا ہے نا, ڈاکٹر کے بچے ڈاکٹر, انجینئرس کے بچے انجینئرس, بیوروکریٹس کے بچے بیوروکریٹ, یہ ایک ہماری متھ بنا لی ہے ہم لوگوں نے. ویئر ایز آپ نے اپنے بچوں کو انٹرسٹ دیکھنے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں, اور بچوں نے خود ڈیفائن کرنے اپنے آپ. اچھا انٹرسٹ کی آپ نے بات کی علیم, ہمارا انٹرسٹ ہر دوسری چیز میں ہو جاتا ہے. جیسے ایک شخص ہے وہ نوکری کر رہا ہے مگر کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے تو اس کو لگتا نہیں میں کاروبار کر سکتا ہوں, وہ کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے ڈوب جاتا ہے. پھر اس کے بعد اچھا نہیں میرا خیال ہے میں اس میں نہیں, میں اس میں زیادہ اچھا کام کر سکتا ہوں. یہ فرسٹریشن کا جو لیول ہے ہمارا بڑھتا چلا جاتا ہے, مگر ہم بہت کچھ گنوانے کے بعد بھی نہیں سمجھ پاتے کہ ہماری منزل کیا ہے. ممتاز مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ بولا. ممتاز صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی عیاشی جو ہے وہ آپ کا شوق ہی آپ کا پروفیشن بن جائے. کیونکہ آپ سروت اب غور کریں اگر تو انسان کی جو بیشتر زندگی کا وقت ہے وہ اس کے ورک پلیس پہ گزرتا ہے, اور دو ڈیسیزنز انسان کی زندگی کے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ایک اس نے پروفیشن کون سا چوز کرنا ہے اور ایک لائف پارٹنر کون سا چوز کرنا ہے. اگر یہ دونوں میں کہیں نہ کہیں ہلکی سی بھی مسٹیک ہو گئی تو آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بڑی مشکل بن جاتی ہے. اب 6 طرح کے ٹیلنٹ ہیں سروت, آرٹس ہے, آرم فورسز ہیں, IT انڈسٹری کا ٹیلنٹ ہوتا ہے, اور ایجوکیشن اس میں انجینئرنگ کا ہے, میڈیکل کا ہے, اور لیڈرشپ کا ہے. یہ دنیا میں 6 طرح کے ٹیلنٹ ہوتے ہیں. اچھا اب اس 6 طرح کے ٹیلنٹ میں پھر آگے سے سب ٹیلنٹس نیچے نیچے آتے ہیں. جیسے اگر آرٹس کا حساب سے جو اینکرنگ ہے, رائٹنگ ہے, ٹیچنگ ہے, یہ سارا آرٹس والی کیٹیگری میں آئے گا. انجینئرنگ میں میتھمیٹکس, اکاؤنٹس, یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. میڈیکل میں سائیکالوجی ہے, فارمیسی ہے, باقی جو انسان کے ساتھ ریلیونٹ جو چیزیں
چیزیں ہیں وہ آ جائیں گی. آرم فورسز میں, آرمی میں جانا ہے, پولیس میں سیکیورٹی ایجنسیز بنانی ہیں, یہ سارے اس کے اندر آ جائیں گے. اب یہ چھ طرح کے ٹیلنٹ ہوتے ہیں. اب پتہ کیسے چلے گا, یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا مجھے کہ میرے اندر کون سا ٹیلنٹ موجود ہے. بعض اوقات ایک سے زیادہ ٹیلنٹ بھی ہوتے ہیں انسان کے اندر. جاوید چودھری صاحب نے یہ بات سمجھائی تھی, ان کے ساتھ میں ایک سیشن کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ تین نشانیاں اس کی. پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ وہ کام مفت کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. دوسری بات, جب آپ وہ کام کریں گے تو آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جائیں گے. آپ وقت نہیں دیکھیں گے کہ میں نے گھر کس ٹائم جانا ہے واپس, اس لگن میں رہیں گے. تیسری بات, آپ کے جو کام ہیں وہ آپ کو خواب میں آنے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ خواب جھوٹ نہیں بولتے. اگر آپ کے کام, آپ کی چیزیں, آپ کے پروجیکٹس آپ کو خواب میں آنے شروع ہو گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, ہمیں کام وہ چوز کرنا پڑے گا اب زندگی میں جس کا آگے آنے والے وقت میں اسکوپ ہے. جیسے اکاؤنٹس کے جو کام جتنے بھی ہیں یا فائنانسز ریلیٹڈ کام ہیں, جو بینکنگ سے ریلیونٹ کام ہیں, وہ آنے والے وقتوں میں 10 سال کے بعد جو بینکنگ انڈسٹری ہے وہ ساری کمپیوٹرائزڈ ہونے والی ہے. اگر آج کوئی بینکنگ انڈسٹری کے حوالے سے ایجوکیشن حاصل کرے گا یا اس کی خواہش ہوگی کہ میں نے اس میں جانا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے زیادہ کامیاب نہ ہو سکے. آنے والے ٹرینڈس کے حساب سے جو ورلڈ اکنامک رپورٹ ہے وہ کہتی ہے ایونٹ مینجمنٹ, سیلز اینڈ مارکیٹنگ, آئی ٹی انڈسٹری اور جو اس طرح کی جو فیلڈز ہیں وہ آنے والے وقت میں ان کی ضرورت ہے, اس میں انڈلج ہو جائیں. کالرز کی طرف بھی بڑھتے ہیں. میرے ساتھ وقاص ہیں, پہلے کالر ان سے بات کر لیتے ہیں. جی میرے بھائی وقاص, بات کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا آپ کے شو کے بارے میں کہ اٹس لٹل ڈفرنٹ فرام ادر, کیونکہ اس میں آپ سوشل ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں, لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اور اسلامک جو ہے ٹاپک ان کو بھی لے کے چلتے ہیں. مچ اپریشیٹ. اور بات ایک ریکویسٹ کروں گا, پلیز آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا, ناٹ لائک ادر شوز جو کہ مارننگ کو مہندی برات اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں. اٹس ریئلی ویری نائس. اور سیشن میں میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا, ابھی میں بلکہ آفس سے نکل رہا ہوں, جلدہ سے بات کر رہا ہوں اس لیے لٹل ہری. بس یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو بھائی نے بات کی ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی بس جسے کہتے ہیں کہ بھیڑ چال کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے بیٹا, ڈاکٹر اینڈ انجینئر اینڈ سو آن. ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا روم دیں ٹو ڈیولپ دیم سیلف, ٹو انالائز دیم سیلف کہ ہم کیا بننا چاہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں انسان کو کہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو, آئی بلیو اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہمیں ہنٹ دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو کھوجنے کی کوشش کرو. بالکل بالکل بالکل, آپ نے درست بات کی ہے وقاص, بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ, آپ نے جو باتیں کی ڈیفینیٹلی بہت زیادہ انسپریشن ہے ان لوگوں کے لیے جو نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے ان چیزوں کو. عرفان نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی میرے بھائی عرفان, آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. آپ عرفان جبید بات کر رہا ہوں, فزیکل ٹرینر ہوں. جی وعلیکم السلام. جی بات کیجئے. جی دنیا کے کئی ملکوں میں گیا ہوں اور آپ ہی میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. بڑا اچھا آپ نے ٹاپک چنا ہے, جب ہم اپنے پروفیشن کو عشق یا اپنا جنون بنا لیتے ہیں تو ہماری اسکلز بھی پیچھے رہ جاتی ہیں. میری پاکستان میں یہ خواہش ہے کہ میں پاکستان میں لافٹر یوگا کو متعارف کراؤں, لافٹر تھراپی کو. میں نے ایجوکیشن پہ بڑا کام کیا ہے جس سے ہمارے بچوں کی ہیلتھ بہتر ہوتے تھے. میں خود ایک اسپورٹس مین ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری اسکلز سے نوازا ہے. جی اگر ہم اپنے بچوں کو لافٹر تھراپی کروائیں گے, اس طرح یہ سانگ تھراپی, یہ کلیپنگ کروائیں گے تو وی کین چینج آور ایجوکیشن سسٹم, نہ کہ ہم پاکستان کو فن لینڈ کی جگہ پہ لے کے آ سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ جیسے نوجوان موجود رہے تو پاکستان بہت جلدی بہت زیادہ ترقی بھی کرے گا. بہت شکریہ میرے بھائی, آپ بھی شامل ہوئے. اچھا رانا دل صاحب, جس طرح سے ہم انٹرسٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اچھا یہ بھی ایک کنفیوژن ہے. بچپن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کا انٹرسٹ ہوتا ہے میڈیکل کے اندر, وہ بچپن سے ایک وہ ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کھیل کھیل میں, یا کچھ آرمی سے ریلیٹڈ بچے ہوتے ہیں بچپن سے ہی ان کو آرمی میں جانے کا شوق ہوتا ہے, مگر جب کوئی میڈیکل کے فیلڈ میں آتا ہے یا آرمی کے فیلڈ میں پریکٹیکلی جانے کی کوشش کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے, نہیں بھی میرے بس کی بات نہیں ہے. تو ہم یہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ جو بچپن میں اس بچے کا انٹرسٹ یہ تھا بڑا ہو کر بھی یہ بنے گا, حالانکہ وہ بچہ بھاگ جاتا ہے, تب اس کی صلاحیتوں کا ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اچھا ایسا نہیں ہے, یہ ضروری نہیں کہ ہمیں صرف ایک ہی ایریا کے اندر ہم سوچ رہے ہوں. نہیں مطلب اوور آل اگر مختلف زاویوں سے جنرل بات کر رہا ہوں کہ اکثر ہم بچوں کو گھروں میں دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ٹوائز کو توڑنا شروع کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے میکینکس کیا ہیں. تو اکثر و بیشتر پیرنٹس جو ہیں وہ یہ ایزیوم کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ شاید آنے والے دنوں میں بہت بڑا انجینئر بنے گا. اب وہ کھوجنے کی طبیعت ہے جو اللہ پاک نے ہر انسان کو دی ہے. بچہ اس ایج میں بالکل اس چیز سے آ رہی ہوتا ہے اور اس کو جو بھی چیز کو نظر آتی ہے وہ اس کو دیکھنا شروع کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اچھا بچے بچپن میں جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, اگر پیرنٹس اسی وقت
उनको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना शुरू करें तो वो ग्रेजुअली उसके ऊपर फोकस करना शुरू करें। बिल्कुल ऐसा। और जितना ज़्यादा वो फोकस करता जाएगा, मतलब अगर हम इंटरनेशनल स्कूलिंग की बात करते हैं तो अगर उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये बच्चा जो है इसको कार्स अच्छी लगती हैं तो उसके गिर्द ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं या उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं कि आप इस बच्चे को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम जो इसको आपने जोड़ना है या नॉलेज देना है वो इससे रेलेवेंट देना। अब बात ये है कि अगर ग्रेजुअली चेंज भी हो जाए, मतलब लाइक अगर हम अपनी लाइफ में बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो जो बचपन से काम कर रहे थे जिसकी वजह से वो रिनाउंड हुए, जिसमें वो कामयाब हुए, वो वही काम हो जो उन्होंने बचपन में किया। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें अपने बच्चों को सोचने की आदत डालनी है, नंबर वन। नंबर टू, हमें अपने बच्चों को फोकस करने की आदत डालनी है। जनरली क्या प्रॉब्लम होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होते तो जैसे अभी आपने भी बात की, सर ने भी बात की कि जब हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होते तो फौरी हमें कोई ना कोई चीज़ एडमायर कर जाती है और वो जैसे ही हमें कोई चीज़ एडमायर करती है तो हमारा सफ़र जो है वो ज़्यादा तकलीफ दे हो जाता है, ज़्यादा लंबा हो जाता है। अल्टीमेटली हम वहाँ पहुँचते ज़रूर हैं बट जब हम पहुँचते हैं तो शायद बहुत सारी देर हो गई होती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने बच्चों को एक तो फोकस करना सिखाएं, नंबर वन। नंबर टू, वो जो भी काम कर रहे हैं उस काम को वो एवेल्यूएट करने की उनको हम ज़रूर आदत सिखाएं। और नंबर थ्री जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जिस एज में भी वो जिस एरिया में भी जाना चाहता है उससे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बाद हम उसको ज़रूर मौका दें। मतलब लाइक हम एजुकेशन के अंदर देखते हैं कि अक्सर बेशतर बच्चे जिनके मैट्रिक के अंदर वो बड़ी मुश्किल से पास हुए होते हैं और वो आते ही हमें कहते हैं कि मुझे FSC प्री इंजीनियरिंग का, तो हम जब उनसे क्वेश्चन करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये तो बच्चा बिल्कुल भी इंजीनियरिंग साइड का नहीं है, ये तो आर्ट्स साइड पे जा सकता है। इसके बड़े टेस्ट भी मौजूद हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं जिसकी मदद से आप टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और टैलेंट जो है वो एक स्किल की तरह, टैलेंट ये ज़रूरी नहीं है कि मैं, अगर ये वही बहस है जिसमें हम कहते थे कि लीडर्स आर बॉर्न और लीडर्स आर टू बी मेड, तो ये भी वैसी ही कोई बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने इंसान को सिर्फ एक टैलेंट दे के नहीं भेजा इस दुनिया में, अल्लाह पाक ने इंसान को मल्टीपल टैलेंट्स के साथ पैदा किया है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसको मौका दें, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो खुद फोकस करे उस एरिया के अंदर, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसके कुछ टेस्ट आजकल बहुत आ गए हैं पाकिस्तान में कम होते हैं जिसमें हम उसको राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब का जो एक तरीके का आ रहा है हम उसको फॉलो करा सकते हैं। कॉलर्स की तरफ भी बढ़ते हैं। राना साहब मेरे साथ पहली कॉलर है बेगम शहजादा, उनसे बात करते हैं। जी बेगम शहजादा बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं गुजरात से फिलहाल बोल रही हूँ, वैसे मेरा तल्लुक मैनचेस्टर इंग्लैंड से है। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, लेकिन बात ये पूछनी आप चारों से कि ये प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं ये किसके लिए, कौन से आवाम के लिए कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त तो घर में औरतें होती हैं और आप चारों इतनी अंग्रेजी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसके लिए तर्जमे के लिए डिक्शनरी चाहिए। ठीक है बेगम शहजादा साहब, मेरा ख्याल है कि माजत के साथ अगर आप बता रही हैं कि बेसिकली आप मैनचेस्टर से बिलोंग करती हैं तो आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। अगर आप गौर से सुने तो हमारे इस शो में हम चार लोग बिल्कुल खालिस उर्दू बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमें देखने वाली जो माएँ बहनें बेटियाँ हैं उनको यही लैंग्वेज समझ आती है और हमें अच्छा लगता है जब हम उर्दू के अंदर बात करते हैं। तो शायद आपको किसी एक वर्ड से थोड़ा सा अपसेट आप हो गई होंगी, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि कंटेंट भी वैसा हो और गुफ्तगू भी वैसी हो जो घर में बैठने वाली माओं को समझ आना चाहिए। अगर बेहतर गाइड करने के लिए तो काम ज्यादा आसान हो जाए। बहुत शुक्रिया आपके वैसे कॉल का। इनाम नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। जी इनाम आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था कि मोस्टली जो मुझे प्रोग्राम से लगा वो ऐसे है कि करियर ऑप्ट करने में ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो मुझे जो पूछना है वो ये है कि अगर इंसान को ये समझता है और उसे लगता भी है और उसके जो प्रैक्टिकल ट्रेड्स हैं उससे भी उसे फील होता है कि उसका एक पर्टिकुलर जो है ना वो इंटरेस्ट है और उसमें उस चीज़ को एग्जीक्यूट करवाने के लिए टैलेंट भी है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इस तरह से हैं कि कुछ सोशल हर्डल्स हैं या कुछ और जो आपके स्टेप्स हैं उस करियर तक पहुंचने के लिए उनको फॉलो करना प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको कैसे कम से कम किया जाए, उनको कैसे रिमूव किया जाए? चलिए थैंक यू सो मच इनाम, अभी इस पर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। नेक्स्ट कॉलर आई थिंक हमारे साथ मौजूद है, अगर मुझे बता दिया जाए कोई। अहमद हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। जी अहमद बात कीजिए। मैंने पूछना था कि हमारे अंदर जो टैलेंट होना चाहिए तो फिर बाहर मतलब अपने शो करने के लिए क्या करना चाहिए कि हमारा टैलेंट शो हो जाए और हमारा तो टैलेंट मतलब हमें बंद करना चाहिए। चलिए थैंक यू सो मच अहमद, इस पे भी बात कर लेते। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा मंसूर काजी साहब, एक तो इनाम
इनाम जिस तरह से कह रहे हैं कि जी पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, मगर कुछ हर्डल्स आ सकती हैं, वो सोशली भी हो सकती हैं, किसी भी किस्म की हो सकती हैं, तो उनको कम से कम कैसे किया जा सकता है ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें? अच्छा, पॉलिटिकल तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आजकल हर बंदा ही पॉलिटिकल है। हाँ, वो जितना एक हाइप है, हर शख्स समझता है कि मैं बहुत बड़ा हर बंदा पॉलिटिकल है। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो भी बंदे से जितने भी लोगों को मिलते हैं ना, मेजोरिटी का इंटरेस्ट भी पॉलिटिक्स के अंदर होता है और उन सबका ये ख्याल होता है कि हमने पॉलिटिशियन ही बनना है। तो मैं हमेशा, बल्कि जो नई जनरेशन है, मैं उनको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि ये आप एडवेंचरिज्म तब करें जब आपके पास ना घर में दाने इतने हो कि आप उसको मैनेज कर सकें, बिकॉज ये एक बहुत लंबी चलनी होती है कहानी। इट्स नॉट गोइंग टू एंड के आज हुआ और कल नहीं हुआ, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। आपको बहुत उसके लिए परसिस्टेंट होना पड़ता है, आपको कंटिन्यूस अपनी एफर्ट्स को रखना पड़ता है। और पॉलिटिक्स में आने की ना लोगों की डिफरेंट वजूहात भी हैं, कईयों की पावर गेम होती है, कईयों की, एट द एंड ऑफ द डे हर एक की कोशिश ये होती है कि हमने हुकूमत में आना है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। और उसके अंदर अगर आपके जहन के अंदर और आप सोचते हैं कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, तब आप ज़रूर उसका पार्ट बने। और अगर आप उसका पार्ट नहीं भी बन रहे तो आप ऐसे काम करें जिससे आप अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतरी कर सकें। मैं एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा इनकी बात के अंदर। देखें, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि जी ये जो टेलीफोन कॉल्स जो आई हैं और उनसे जो मुझे परसीव हुई हैं चीज़ें, आपकी हॉबी और आपका प्रोफेशन ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन हो तो नथिंग लाइक इट, उससे तो बेहतर कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर का टैलेंट ख़त्म हो गया है। हाँ। उसके अंदर ये ज़रूर होगा कि आप काम करें और उसके बाद अपनी जो वो सलाहियत है उसके ऊपर एफर्ट्स डालें। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने ख्वाबों के पीछे भागने लग जाएंगे, और ख्वाबों के पीछे आप तब भागेंगे जब आपका पेट भरा होगा, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपका पेट नहीं भरा होगा तो आपको ख्वाबों के पीछे भागने के लिए ना बहुत थोड़ी देर जाके आप खुद थक जाएंगे। सो द बेटर वे इज़ कि आप अपने ख्वाबों को प्रैक्टिकली जो दुनिया चल रही है उसके साथ लेकर चलें। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इख्तलाफ करने वाली हूं अभी मंसूर साहब से इस बात के ऊपर, आपका पेट भरा हुआ होगा? नहीं नहीं, आप जी देखिए, आपको रियलिटी चेक जरूर करनी है अपनी जिंदगी के अंदर। मैंने माजरत के साथ, ठीक है आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है मंसूर साहब, लेकिन मैंने जिंदगी में हर शख्स को, मैंने बहुत सारे कुछ ऐसे लोग देखे जिन्होंने अपना सब गवाया मगर अपने अपनी अपनी सलाहियतों को बाहर लाने के लिए उन्होंने सब गवाया है और आगे बढ़े भी हैं। आपको दैट्स द मेन थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपने करना है लेकिन आपने दुनिया में भी रहना है। देखें, आपने फैमिलीज में रहना है। इफ यू आर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ यू आर मैरिड यू हैव गॉट अ वाइफ, यू हैव गॉट किड्स, और अपने ख्वाबों के पीछे भाग रहे हैं और घर में खाने को फाके पड़े हुए हैं, सो आपको ये आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और उसको आप किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ। लास्ट 3 मिनट्स है मेरे पास, जल्दी जल्दी मुझे आपको राणा साहब का भी मौका चाहिए होगा। अच्छा अली, मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोग हैं अपने टैलेंट भी जानते हैं, उस रास्ते के ऊपर भी गामजन होते हैं, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, उनको हटाते हुए आगे बढ़ते हैं, मगर फिर भी वो खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, मंजिल के करीब पहुंच कर भी, कि शायद हमें ये नहीं चाहिए था। तो ये लोगों की फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? देखिए, अगर आपको मैं आज कहूं कि ये पहाड़ को खोदें और वहां से आपको खजाना मिलेगा, तो हो सकता है आपको इस बात का यकीन ना हो, लेकिन अगर मैं उस पहाड़ के अंदर सुराख कर दूँ और उस सुराख करके आपको दिखा दूँ कि सरवत वो सामने ख़जाना नज़र आ रहा है, तो आप ख़जाना देखेंगी और आप पहाड़ को खोदना शुरू कर देंगी। हमें अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी इंटेलेक्चुअल को, स्कॉलर को, फ़िलासफ़र्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पड़ेगा। और आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, अगर आप उन प्रोफेशन में जो सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनके साथ अटैच नहीं हैं, तो जो सुराख है ना, वो सुराख से आपको वो ख़जाना नज़र नहीं आएगा सामने। ये वो फ़िलासफ़र्स होते हैं, ये वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये वो सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने रास्ता वो तय कर लिया होता है 40 साल लगा के अपनी ज़िंदगी में। अगर आप उनके साथ अटैच होंगे तो आपको डे बाई डे आपको रास्ता मिलता रहेगा और उसके साथ साथ आपको गाइडलाइन मिलती रहेगी। ठीक, ओके। राणा साहब, लास्टली मुझे ये बताएं, अपनी ज़िंदगी का मकसद किस तरह से तलाश किया जा सकता है? देखिए, ज़िंदगी का मकसद, एक तो अल्लाह पाक ने जब इंसान को बनाया तो बड़ी क्लैरिटी के साथ, मैं समझता हूँ कि जब तक ज़िंदगी का मकसद जो है हमारे साथ जो रहने वाले इंसान हैं, अगर हमें उन इंसानों को, हमसे कोई नफ़ा नहीं हो रहा, हमसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, उनकी ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूँ कि लाइफ जो है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। जब तक हमारे सराउंडिंग के लोग हमसे कोई बेनिफिट नहीं उठाने में कामयाब होते और हमारा फोकस हमेशा ये नहीं होता कि मेरी ज़ात के साथ साथ विन विन सिचुएशन में क्या चीज़ें, तो ज़िंदगी के अंदर जो ज़िंदगी का मकसद हयात है,
وہ اس بات سے قطع نظر کہ ہم کسی ریلیجن کے تحت بات کریں. دا موسٹ امپورٹنٹ از کہ اللہ پاک نے جو یہ انسان بنائے, جو مخلوق بنائی, اس مخلوق کی زندگی میں میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. اور جتنے بھی بڑے لوگ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں, جتنے انبیاء کرام اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں, یا جتنے سکسیزفل لوگ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں, اس سب کے سب کی جو سکسیزفل کرائیٹیریا ہے اس کے اندر جس نے جتنا کنٹریبیوٹ کیا اس کو اسی نمبر پہ ریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک, یہ کنٹریبیوشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے. صاحب لاسٹلی کوئی میسج اگر آپ کنوے کرنا چاہیں ان یگسٹرس کے لیے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, میرے تینوں مہمانوں کو سن رہے ہیں, ہمیں جی چینج کو بالکل اڈاپٹ کرنا چاہیے اور ہمیں ریڈی رہنا چاہیے چینج کے لیے. بہت تھوڑی سی زندگی کا ٹائم سپین ہم نے گزارنا ہوتا ہے اس دنیا میں, 60-70 سال. آپ ایک چیز کے اندر سکسیزفل نہیں ہو رہے آپ دوسری چیز آپٹ کریں, آپ اس میں سکسیزفل نہیں ہو رہے آپ تیسری چیز آپٹ کریں. آپ نے زندگی میں ہار آپ کے ایس او پی میں نہیں ہونی چاہیے. یو ہیو ٹو ڈو ٹرائی اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. آپ لوگ ٹرائی کریں گے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ول بی سکسیزفل. اپنے خوابوں کو ساتھ لے کر چلیں, اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ چیز ضرور یاد رکھیں کہ آپ نے ان چیزوں کو لے کر چلیں جہاں پر آپ اس کو پورا کیٹر کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ منصور اعظم قاضی صاحب, رانا دل صاحب, آپ کا علی عباس, تھینک یو سو مچ, آپ بھی وقت نکالا صبح صبح پاکستان کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ, اور جس طرح سے آپ نے اس رپورٹ میں بھی دیکھا کہ اب یوگا کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہو رہا ہے. بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں, بہت سارے ایسے موڈ سوئنگس ہیں آپ کے جو کہ کنٹرول ہو سکتے ہیں یوگا کے ذریعے. مگر یوگا کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اس کی مشق کرنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور باقاعدہ کتنی دیر تک اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی سے نکل جائیں, جو ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں یوگا کے ذریعے کس طرح سے کنٹرول ہو سکتی ہیں, تو اس پر بات کرنے کے لیے اکثر ہمارے شو میں آتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں یوگا ایکسپرٹ رخسانہ محمود صاحبہ, بہت شکریہ رخسانہ, تھینک یو سو مچ. فرزانہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, یوگا کے حوالے سے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائیں گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان بھی موجود ہیں جن کی میں بات کروں تو ہمیشہ ان کی اداکاری دیکھی, ان کی ماڈلنگ دیکھی, اور اب اگر ان کی یوگا کے حوالے سے دیکھیں یا فٹنس کے حوالے سے دیکھیں تو وہ آج بھی موترف ہیں, آج بھی ان کی تعریف کیے بغیر ہمارا دل رکتا نہیں ہے. معروف اداکارہ, ماڈل اور فٹنس ٹرینر جیا علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ جیا, تھینک یو سو مچ صبح صبح پاکستان میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ماشاء اللہ آج بھی آپ بڑی فٹ ہیں, تو لوگ تو یہی جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی جیا اتنی فٹ کیسے ہے. سمپل, سادی اور صحت مند زندگی, میں سمجھتی ہوں سمپلسٹی, سادگی جو ہے انسان کو صحت مند رکھتی ہے. اور میں بائی نیچر ہی اپنی امی کی طرف سے کچھ اس نیچر کی مالک تھی, لیکن جب سے یوگا میری زندگی میں آیا ہے, میڈیٹیشن اور اچھے استاد میری زندگی میں آئے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ بہتری تیزی سے آنے لگ گئی ہے. صحیح, تو جیا لوگوں کو بھی بتائیں نا یوگا کتنا فائدہ مند ہے, لوگ بھی جاننا چاہ رہے ہیں اگر جیا یوگا کرتی ہیں تو یوگا ویسے زندگی میں کتنا فائدہ مند ہے. دیکھیں, اگر یوگا ہماری ہر کلچر اور مذہب میں دے دیا گیا ہے کہ آپ کسی بھی وقت جو اب اگر آپ نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں, روحانیت کے ساتھ, اپنے کسی بھی ریلیجن کو ایک کوزے میں بند کرنا چاہتے ہیں, تو ایسی بہت ساری مشقیں جو ہیں, ایسے بہت سارے پوسچرز جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں, لیکن لازم یہی ہے کہ ہم اس کو فالو کریں. اور فالو کرنے کے آسان طریقے یہ ہیں کہ باوضو بھی رہا جا سکتا ہے, وہ بھی اپنی طرف سے ایک روحانیت میں, ایک نیچرل سلسلے میں رہنے کا ہے. نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہاں, بہت سارے لوگ, جیسے میں ذاتی طور پہ بہت پریشان ہوتی تھی کہ میری بریدنگ ایشوز کی وجہ سے میں جا نماز پہ ہو کے بھی میری توجہ جا نماز پہ نہیں رہ سکتی تھی, تو میڈیٹیشن نے, مراقبے نے, سانس کی مشقوں نے, جو کہ یوگک پوسچرز میں بھی بتائی جا سکتی ہیں, اکیلے بھی بہت سارے کورسز ہوتے ہیں,
दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी, तो उससे हम जो हैं वो अपने ध्यान को, अपनी मेडिटेशन को, अपने मुरातबे को, नमाज की हद तक भी हम उसको फोकस कर सकते हैं. और ये साइंटिफिकली प्रूवन, अब आके हम हर चीज़ को साइंस पे डाल देते हैं, जो कि बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हमारी मजहबी किताबों ने, हमारी दीनी, हमारी कल्चरल बुक्स ने बहुत पहले से इस चीज़ को साबित कर दिया हुआ है कि आपकी अगर सांस जो है वो इस लम्हे में है, और तो आपके पॉस्चर्स, आपकी एक्सरसाइज, आपका पूरा दिन जो है वो एक बहुत पुरसकून गुजर सकता है. तो आपका अगर दिमाग पुरसकून है, ठीक है, आपका दिमाग इस लम्हे में है, तो आपकी बॉडी कभी भी जो है वो अनहेल्दी नहीं हो सकती. बिल्कुल. चलिए, सुकून किस तरह से दिया जा सकता है? एंजाइटी की तरफ नहीं जा सकता. ठीक है, सुकून किस तरह से और फोकस किस तरह से रखा जा सकता है, ये तो जानेंगे. हमारे साथ रुखसाना साहब भी मौजूद हैं. रुखसाना साहब, मुझे बताएगा, जिस तरह से अभी जिया ने भी बात की प्रॉपर मश्क के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, तो योगा की एक प्रॉपर मश्क होना और फिर इसकी ट्रेनिंग करते रहना, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, योगा की बहुत से प्रीरिक्विजिट्स हैं जिसको बहुत से हमारे जो स्टूडियोज़ हैं और योगीज जो हैं वो फॉलो नहीं करते, क्योंकि योगा जो है ना तो कोई रिलीजन है और ना ही कोई एक्सरसाइज रिजीम है, इट्स अ लाइफस्टाइल. तो लाइफस्टाइल के लिए एक घंटे के लिए आपने योगा किया, बाकी 23 घंटे आपने क्या करना है वो भी आपको योगा बताता है. और जिस तरह आपने कहा कि बहुत सी हमारी मेंटल इश्यूज़ जो हैं वो हमारी सोच की जो बीमारी हैं वो इसलिए कि हम या तो पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं. योगा में माइंडफुलनेस की दे आर सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों के इसके बारे में जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है. योगा का अष्टंगा योगा में सिक्स एंड सेवन चैप्टर जो है धरना और ध्याना का, वो है ही माइंडफुलनेस का. अच्छा, आप लोगों की एक मिसकंसेप्शन ये है कि माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस के लिए, मेडिटेशन के लिए, एक बड़ी ग्लैमराइज्ड एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है, नेचर में बैठना, पहाड़ों पर जाना है ज़रूरी है. नो, दिस इज़ नॉट मेडिटेशन. मेडिटेशन इन द मोमेंट. फॉर इंस्टेंस, अगर आप टीथ ब्रश भी कर रहे हैं और आप माइंडफुली कर रहे हैं, तो आपने अपनी 5 सेंसेस को एक्टिवेट करके उस मूवमेंट में इन्वॉल्व होकर करना है, तो आप माइंडफुलनेस, आप मेडिटेशन ऑलरेडी कर रहे हैं. आप खाना खा रहे हैं, आप अपनी 5 सेंसेस के साथ नवाला तोड़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसके टेस्ट को, उसके अरोमा को महसूस कर रहे हैं, उसको टेक्स्चर को फील कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, आप मूवमेंट में प्रेजेंट हैं. चूँकि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और माइंडफुलनेस अब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी थेरेप्यूटिक टूल में, तो हम अपने पेशेंट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एन्जाइटी में होते हैं, उनको सिर्फ ये माइंडफुलनेस ही अगर करवाएं, तो उनके हाफ से ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं. तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आपको मेडिटेशन के लिए या मराकबे के लिए किसी एक ग्लैमराइज इन्वायरमेंट की, किसी म्यूज़िक की, किसी एक सेटिंग की, फिज़िकल सेटिंग की ज़रूरत है. आप जिस भी मोमेंट में, आप उसी मोमेंट में अपनी ब्रीदिंग करें. डीप ब्रीदिंग की आदत सबको होनी चाहिए, अपने पोस्चर मेंटेन करने की आदत सबको होनी चाहिए. आप इनहेल करें, आप एक्सहेल करें. उसके अलावा स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिसेस हैं जिसको प्राणा हम कहते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइज है. एनोलॉम वेलॉम इसमें बहुत अच्छी है, फरजाना भी कर भी रही है इसमें. हम एक नॉस्टल से इनहेल करते हैं, दूसरे नॉस्टल से एक्सहेल करते हैं, और सारा फोकस अपनी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में रखते हैं. इसकी एफिकेसी को बढ़ाना है तो आप अपनी फिंगर से कोई मुद्रा मेंटेन कर सकते हैं. जैसा फरजाना ने इस वक्त प्राणा मुद्रा मेंटेन किया हुआ है, ये हमारी वाइटल फोर्स एनर्जी जो है उसको मेंटेन करता है. ठीक. तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होकर योगा को योगा बनाती हैं. योगा आपको ये भी बताता है आपने सोना कैसे, आपने उठना कैसे, आपने खाना कैसे, आपने नहाना कैसे, आपने बात कैसे करनी है. तो योगा बिकम्स यू. ठीक है, यानी कि योगा के इतने ज़्यादा फ़वाद हैं जो लोगों को शायद मालूम नहीं है. और हमारी कोशिश ये होती है कि जब योगा एक्सपर्ट्स को बुलाएं, जिस तरह से आज हमने जिया अली को बुलाया है, रुखसाना साहब अक्सर हमारे शो में आती है, लोगों को अवेयरनेस दी जा सके. जिया, मुझे ये बताएगा, मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के, अचानक बैठे बैठे मूड स्विंग कर गया उनका, और अचानक बैठे बैठे लोगों के अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाती है, या तबीयत में एक अजीब सी तेज़ी आई हुई होती है, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए योगा किस तरह से हमारी हेल्पफुल है, और कौन सी हम योगा की कर सकते हैं? देखिए, हार्मोनल बैलेंस जो इंसान का होता है, ये कुदरती निज़ाम है. ठीक है, हम इसको माँ के पेट से लेके निकलते हैं, इन सारे सिस्टम्स को. और मैं योगा को पिछले 20-25 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरी जो अपनी तालीमात है, जो लर्निंग के ज़रिए, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते एज अ टीचर, आपका अपना मेडिटेशन के साथ या पोस्चर्स के साथ एक गहरा ताल्लुक नहीं होता, तब तक आपकी जो टीचिंग होती है वो बहुत गहरी नहीं हो सकती, वो बहुत ज़्यादा असर अंदाज नहीं हो सकती.
तो मैं ये समझती हूँ कि योगा एक साइंस भी है, योगा एक मज़हबों की तरफ से बुनियादी तौर पे एक बेहतर इंसान, एक बैलेंस इंसान बनने के लिए भी एक गाइडलाइन है। सो ये बहुत बहुत एक ऐसी प्रैक्टिकल अप्रोच है जो कि हम हर इंसान के अंदर नेचुरली पाई जाती है। जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं तो हम एक सर्टन पॉस्चर में होते हैं ताकि हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं उन पॉस्चर्स में डेवलप हो रहे होते हैं। जब हम बाहर आते हैं, एजुकेशन लेते हैं, डिफरेंट कल्चर्स में जाते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि हाँ कुछ ये पॉस्चर्स जो है ये इंसान के ऑर्गन्स को बेहतर करते हैं, लेकिन हम इंसान माँ के पेट से वो लेके निकल रहे हैं। हाँ। तो ये इतना नेचुरल है। और सबसे बड़ी बात है कि योगा को ये कहना कि वो एक आउटसाइड कोई स्ट्रक्चर है, वो ऐसा नहीं है, वो एक नेचुरल है। हर इंसान जो है हर वक्त एक सर्टेन पोस्चर्स पे है। जी हाँ, जिनको चिड़चिड़ाहट का मसला है, मूड स्विंग्स का इशू है, उसके लिए कोई टेक्निक बताएं योगा की? ब्रीदिंग, जब आप अपनी सांस को, अगर हम लोग हर वक्त जो है ना वो सिर्फ सांस को ले रहे हैं, एक शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, हम सांस को जब भरपूर तरीके से किसी भी मेडिटेशन के ज़रिए या किसी भी सांस की मशक के ज़रिए या किसी पोस्चर के ज़रिए जब हम ऑक्सीजन को पूरी तरह बॉडी में भरते हैं, और ऐसी चीज़ें जो है हमें नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने से बहुत आसानी से मिल जाती हैं क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन कम होती है, ठीक है। तो आपका ऑर्गेनिक, आपका जो हार्मोनल अनबैलेंस है वो हर एज में आपके साथ, आपको हर थोड़े थोड़े सालों बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। आपको उसको बैलेंस रखने के लिए अपनी बॉडी को जितना हो सकता है नेचुरल चीज़ों के पास रखें, आप डिटॉक्स करें, आप हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करें, आप खुराक बेहतर से बेहतर। अब ये एक ऐसी बेसिक चीज़ है, ऐसी बेसिक नॉलेज है जो कि हर इंसान को नेचुरली अपने सिस्टम के बारे में आ जाती है। आपको बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ता, कोई चीज़ नहीं हायर करनी पड़ती किसी टीचर के। ये इंसान जब अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश करता है, सेहतमंद रहने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ने उसके सिस्टम में ये चीज़ें डाल के भेजी हैं कि आप अच्छी तरह सांस लें, बड़ा खुल के सांस लें, आप हेल्दी खाने खाएं, आप अपनी नींद पूरी करें। जब आपको खुद को अवेयरनेस आ जाती है तो जो आपका एंजाइटी स्ट्रेस है वो खुद ब खुद बैलेंस होना शुरू करता है। एंजाइटी स्ट्रेस हमेशा इंसान को उस वक्त होता है जब आप बहुत सारी आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन अपने अंदर गेन कर लेते हैं और आपके सिस्टम को समझ नहीं आती कि अब आप किधर जाएं, क्या करें। सही, तो आपका सिस्टम कंफ्यूज होने शुरू हो जाता है या बीमार होने शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप नेचर के करीब जाते हैं तो आपका सिस्टम नेचुरली अलाइन हो जाता है और आप एक नॉर्मल हैप्पी हेल्दी, जैसे हम इत्तफाकन अगर हम अपनी फैमिली के साथ प्लान करके नहीं जाते जी हमने अपना स्ट्रेस एंजाइटी दूर करना है, छुट्टियों पे जाना है या कोई ऐसी आउटिंग करनी है, कोई ऐसी नेचुरल जगह पे जाना है, तो आप प्लान करके तो नहीं जाते कि आप अपना एंजाइटी स्ट्रेस दूर करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप छुट्टियों पे जाते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में होते हैं, साफ सुथरे एनवायरनमेंट में होते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली फील करते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो इंसान का सिस्टम जो है वो अल्लाह ने ऑटो पे लगाया हुआ है, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत सारी गैजेट्स करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी नेचुरल। हाँ, यही सब आपके मसाइल का हाल है, ठीक है। मैं तो कहती हूँ कि जी हाँ, हमारे साथ कॉलर भी है, साथ साथ मैं चाह रही हूँ कॉलर को भी लेते रहें और आपसे गुफ्तगू भी होती रहे। जोया हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी जोया, क्या जानना चाह रही हैं आप? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बात कीजिए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी ये डॉक्टर साहबा से भी और जी अली साहबा से भी कि ये तो जो आप लोग बता रहे हैं इसके लिए बकायदा योगा सेंटर जाना पड़ता है या ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है जी। तो लेकिन ये है कि अगर नहीं, जो नहीं, लोग हाउसवाइफ हैं जो नहीं जा सकती उनके लिए कोई प्रॉपर ऐसी एक्सरसाइज बता दें जिससे कि वो घर में बैठ के खुद ही कर लें। चलिए हम शेयर कर लेते हैं आपसे। बहुत शुक्रिया जोया, थैंक यू आपने कॉल की। हमारे साथ रेगुलर कॉलर हैं हमारी मिसेज एजाज, वो भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मिसेज एजाज, आप क्या जानना चाह रही हैं? वालेकुम आप सबको। वालेकुम। ये मुझे दोनों से ना शियाटका पेन की चंद एक्सरसाइजेस जो के बहुत मौसर हूँ, इन्हें जी आली को भी आती होगी और डॉक्टर साहब ये। हाँ जी, शियाटका की बता रहे हैं प्लीज, आपकी बड़ी आप अल्लाह ताला आपको भी सेहत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अभी पूछ लेते, थैंक यू आपने कॉल की। सज्जाद नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी मेरे भाई सज्जाद, बात कीजिए। मैडम मेरी बेटी है 90 इयर्स की, ठीक है, लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा कम, बहुत कम होती है, बहुत साथ उसका बहुत ही नॉर्मल सा है और सेहत भी बहुत डाउन रहती है।
कद कितना है मेरे भाई, आपकी बेटी का कद कितना? 4-4.5 फुट होगा। ठीक है ठीक है। तो ये है कि उसके लिए कोई डाइट प्लान अगर प्लीज मिल जाए, या और योगा तो वो करती है पहले, लेकिन वो प्रॉपर कोई कहीं से सीखा नहीं है वैसे, तो थोड़ी देर हुई उसने शुरू किया हुआ है। अच्छा, आपने बताया आपकी बेटी जो है उनकी ग्रोथ भी कम है और कमजोर सी है, वजन आप बता सकते हैं कि आपकी बेटी का वजन कितना है? वजन उसका किया तो नहीं, लेकिन बहुत कम ही है उसके हिसाब से, तो बहुत कम है। अच्छा चल चलिए मेरे भाई, आप परेशान ना हो, अभी पूछ लेते। थैंक यू सो मच आपने कॉल की। अच्छा एक तो फैजाना साहब से ये कहिए कि ये हमें कुछ पोस्टर्स बताएं जिससे से सही तरीका होता है। आपने बताया कि लेटने का एक सही तरीका होता है, हर चीज़ के पोस्टर्स होते हैं, तो वो हमारे साथ शेयर कर लें। इसी में इन्हीं पोस्टर में तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हाइट की प्रॉब्लम के हार्मोनल पोजेज भी हैं। फैजाना पहले हार्मोनल पोजेज करें। हार्मोनल पोजेज में 4-5 पोजेज हैं जो आप घर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप चाइल्ड पोज में होते हो। चाइल्ड पोज में अगर आपके लिए बेंच करना मुश्किल है तो अपने फोरहेड के नीचे जो है आप कॉर्क ब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट पिलो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बटरफ्लाई पोज है। बटरफ्लाई पोज अगर आपकी नी बेंडिंग नहीं हो रही है तो आप नी को थोड़ा सा लूज कर सकते हैं या एलिवेट कर सकते हैं। आप इनहेल करेंगे, नी जब ऊपर जाती है आप इनहेल करते हो, जब वो नीचे आती है एक्सहेल करते हैं, इसको बहुत स्लो और जेंटल में करेंगे। इसके अलावा हाफ ब्रिज पोज है, फरजाना हाफ ब्रिज पोज में आ जाए। हाफ ब्रिज पोज, ये सब हार्मोनल, ये तमाम खवातीन को जिन बच्चियों की साइकिल स्टार्ट हो गई है उसके बाद ये पोजेस करना शुरू करें तो उनकी एक तो साइकिल बहुत मेंटेन रहती है, दूसरा उनको हार्मोनल इम्बेलेंस का इशू होता ही नहीं है। आप इनहेल करते हुए ऊपर जाते हैं, अपनी टमी को ऊपर लेकर जाते हैं और उसके बाद एक्सहेल करते हुए नीचे लाते हैं। ये एक्सरसाइज आप 20-40 टाइम इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैमल पोज है, कैमल पोज कीजिएगा फरजाना। कैमल पोज जो है ये थायराइड्स को एक्टिवेट करते हैं और थायराइड जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है, सही। तो वो बच्चे जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है वो या तो इसको मेंटेन कर लें 10 सेकंड्स के लिए, और 10 सेकंड्स के लिए वो 10 सेट्स कर सकते हैं, या इसको जो है इजी पोज करें फरजाना, या वो इसको 20-40 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार विन्यासा फ्लो में, सूर्य नमस्कार में तमाम प्रॉब्लम जो कि वेट से रिलेटेड हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड हैं, एंजाइटी से रिलेटेड हैं, इन सारी एक्सरसाइजेस में आपने ना सिर्फ अपने पोस्चर्स को मेंटेन रखना है और उसको मेंटेन करना है, आपने अपनी ब्रीदिंग का भी ख्याल रखना है। ओके। मोस्टली योगा में ये होता है कि बहुत से योगी भी नहीं बताते हैं कि जब भी हमारी बॉडी एक्सपैंड कर रही होती है और बैकवर्ड जा रही होती है तो हम इनहेल करते हैं, और जब भी वो जो है श्रिंक हो रही होती है और फॉरवर्ड आ रही होती है तो हम एक्सहेल करते हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन थ्रू आउट योगा में नॉस्ट्रल से है, ठीक है, क्योंकि जो और जो एडवांस ब्रीदिंग है जिसमें कपाल भाती है, जिसमें शत्रिका है, शिताली है, उसमें हम लोग माउथ ब्रीदिंग यूज़ करते हैं। और एनजाइटी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत ब्रीदिंग है वो शितकरी और शिताली ब्रीदिंग, ठीक है। ओके। अच्छा जिया आपकी तरफ आते हैं। जिया, हमारी कॉलर ने ये बात की, डेफिनेटली उनका क्वेश्चन अपनी जगह वैलिड था कि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि योगा सेंटर नहीं जा सकती, तो वो घर में बैठ के किस तरह से इन एक्सरसाइजेज को कर सकती हैं या इन टेक्निक्स को जो सही होती हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकती हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा वैलिड प्रैक्टिकल सवाल उन्होंने किया है। देखें, जितना मुश्किल लोगों के लिए हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, चाहे वो मुश्किल नामों को लेके करें या वो संस्कृत नामों को लेके, सबसे पहले मैं लोगों का जो गलत फहमी है मैं उनको ये क्लियर करना चाहूँगी कि योगा जो है वो किसी भी एक कल्चर की या किसी एक ज़ुबान की मलकियत नहीं है, ठीक है। योगा इंसानों के लिए डेवलप हुआ है। जैसे मैंने दोबारा कहूँगी कि माँ के पेट से जो पॉस्चर्स में हमारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, हम वहीं से योगा करते हुए निकलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जब इंसान को बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं तो वो अपने ज़िंदगी, रेगुलर ज़िंदगी जो उसकी रोज़ की ज़िंदगी है, चाहे उसके सोने का तरीका हो, चाहे उसके सांस लेने का तरीका हो, चाहे उसके बैठने का तरीका हो, जब वो योग को एज अ इंसान अपना लेता है, एज अ इंसान वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और दूसरा सवाल जो उन्होंने मुझसे ये किया, पहले सवाल उनका यह था कि उनको किसी भी सेंटर में जाने की उस वक्त तक ज़रूरत नहीं है जब तक वो ये ना समझें कि उनका ब्रीदिंग इशू जो उनको हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो कहीं डिफरेंट कल्चर में जाके करेंगी तो उनकी बॉडी ज़्यादा कहीं स्ट्रेस तो नहीं हो जाएगी, कहीं ज़्यादा एफर्ट तो नहीं उनको डालनी पड़ेगी। वो एफर्ट को जब तक वो खुद अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं गेन करती, उसके लिए मैं समझती हूँ कि यूट्यूब आजकल हमारी खवातीन खाना पकाने के लिए, चीज़ें करने के लिए इतनी सारी
सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे, यूट्यूब पे और बहुत सारे चैनल्स हैं, हेल्थ के चैनल्स हैं। तो आप घर बैठे हुए जब आप अपने आप को सिर्फ एक डेढ़ घंटा, आधा घंटे से शुरू करें, मैं तो कभी कभी कहती हूँ 15-20 मिनट से अगर आप सिर्फ अपने ऊपर तवज्जो लेके आए तो आप नेचुरली योगिक पॉस्चर्स में आ जाती हैं, नेचुरली आप एक हेल्दी ब्रीदिंग में आना शुरू हो जाती है। और जब आप अच्छी चीज सुनती हैं तो आपका सिस्टम इतना ज्यादा मेमोरी स्टोर करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे हमें किसी सही बात का और गलत बात का फौरन असर होता है, इसी तरह हम अगर किसी अच्छी चीज को सुनने की कोशिश करते हैं और अच्छी चीज पे बात करने की कोशिश करते हैं, अकेले बैठ के करें, अपने आप के अपनी कदर करना सीखें। औरतें हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे घरों के लिए एक बहुत अहम जुज है। मैं बार बार अपने शोज में आपने, आपने जिया अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। जिया आपने औरतों की बात की है, तो औरतों से मुतालिक ये भी बताएं कि जो बड़ी उम्र की औरतें हैं और बढ़ती हुई उम्र के असरात जो हैं उनके चेहरे पर आया होना शुरू हो जाते हैं, उनकी बॉडी पे आया होना शुरू हो जाते हैं, तो योगा उनको किस तरह से कंट्रोल या ख़त्म कर सकता है? देखिए, योग जो है वो मैं फिर आपको कहूँगी कि ये कुदरती निज़ाम है आपके सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए, आपकी सांस को इस लम्हे में रखने के लिए, क्योंकि कुदरत ने जो इस लम्हे में रखने की ताकत हमें नवाज दी गई है, इतनी बड़ी एजुकेशनल सिस्टम है ये अपने अंदर खुद, एक सांस के ज़रिए आप एक लम्हे में रहें, आपको कोई बड़े पॉस्चर्स करने की, मुश्किल पॉस्चर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी एक कुछ कोर्सेज करके भी आई हूँ और अभी जा भी रही हूँ दो दिन बाद, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे और गूगल पे और इन सब चीज़ों पे मिलती है। तो प्लीज़ अच्छी चीज़ें पढ़ना शुरू करें और सीख और सुनना शुरू करें। जैसी आप अच्छी चीज़ें पढ़ना और सुनना शुरू करते हैं, जैसे मैं आप लोगों की चैनल्स की इस वक्त इतनी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आवाम को कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर रहे हैं, आप लोग वो रियलिटी बताना शुरू कर रहे हैं इंसानों के लिए जो फायदेमंद है। टेलीविजन जो है वो हमें हर वक्त लड़ाई झगड़े से निकाल के एक हेल्दी, मैं बहुत देर से टेलीविजन चैनल्स को, न्यूज़ चैनल्स को ये समझा रही थी कि आप अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमारा आवाम जो है वो इतनी बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरफ जाना बड़ा जरूरी है कि ठीक सुबह उठ के या रात को सोने से पहले आप कोई अच्छी बात पढ़ें, कोई अच्छी चीज सुने, आप देखें असरअंदाज होना शुरू। बिल्कुल ठीक बात कर रही है। इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद है, आयशा से भी बात करते हैं। जी आयशा, बात कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर पहले तो आपकी शो की तारीफ करनी थी, मशाला से बहुत अच्छा शो आप कर रही हैं, थैंक यू। ये पूछना था कि जैसे ये ब्रीथिंग की प्रैक्टिस बता रही, तो ब्रीथिंग एक मतलब कितने टाइम के लिए करनी चाहिए? ठीक, 10 मिनट 20 मिनट। ठीक है, ठीक है, पूछ लेते हैं अभी। थैंक यू आयशा आपने कॉल की। ब्रीदिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग अभी अभी जी एक और कॉलर है, मैं कह रही हूँ उनसे भी क्वेश्चन ले लेते हैं फिर आते हैं आपकी तरफ। जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं आपका प्रोग्राम देखा था। मैंने पूछना यह है कि मेरा एक मेरा बेटा है, उसकी एज है 10 साल जी। तो उसको उसकी जो हाइट है ना, उसका मसला है, उसकी हाइट जो है ना वो बहुत कम है ना। अब उसके फिर हमने टेस्ट वगैरह आए हैं सारे, तो उसको हारमोन जो है ना उसके इंजेक्शन एडवाइस किए हैं डॉक्टर ने। इधर इस्लामाबाद में डॉक्टर गुलदीन है, उन्होंने एडवाइस किया कि हारमोन के इंजेक्शन आप लगवाएं। अच्छा। वो इसकी ग्रोथ जो है ना वो स्टार्ट हो गई। अच्छा। हमने लगवाए नहीं है वो, तो काफी लोगों ने बताया। सेहत कैसी है मेरे भाई, आपके बेटे की सेहत कैसी है ये भी हमारे साथ शेयर करें। सेहत तो उसकी ठीक है, एक्टिव है वो, मैं उसको गेम्स भी कराता हूँ, कराटे करवाता हूँ, तो वो भी चलिए 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 मैं पूछ लेती हूँ। बहुत शुक्रिया वक्त क्योंकि काम है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपने कॉल की। अच्छा रुखसान साहब, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट होंगे, इसको बिल्कुल वाइंड अप ही करेंगे। एक तो पहले जो था वो एजिंग से रिलेटेड, तो एक सेट ऑफ एक्सरसाइज है जिसको ताबतन राइट्स कहते हैं, ऑल्दो के काफ़ी टफ एक्सरसाइज है उसमें, लेकिन ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है उसको, अगर आपने वीडियो को ही फॉलो करना है। लेकिन मैं एक चीज़ सजेस्ट ये करूँगी कि आप एक बार किसी योगी से मिल लें और अपनी असेसमेंट, नीड असेसमेंट ज़रूर करवा लेंगे, क्योंकि हर एक्सरसाइज, हर ब्रीदिंग आपके लिए नहीं है। और जहाँ तक ये हाइट का इशू है, तो योगा में बहुत से एनिमल पोजेज़ हैं, ठीक है। एक तो ताबतन राइट्स एनिमल पोजेज, तीसरा मैंने कैमल पोज है, एनिमल पोजेज बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं
और आपकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा जो है वो इनहेंस करते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। और उसके लिए भी आई सजेस्ट कि आप किसी एक्सपर्ट को एक्सेस करें, क्योंकि ये एक साइंस है, जैसे कि मिस जिया ने भी कहा कि एक साइंस है, इसको हर कोई नहीं करवा सकते हैं और हर कोई कर भी नहीं सकते, कोशिश करें, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, उनको जरूर मत देना। ओके जी, आप बिल्कुल लास्टली एंड शार्पली आप ये बता दें, एक तो उन्होंने कहा कि जी हार्मोनल इंजेक्शन उन्होंने रिकमेंड किए उनके बेटे के लिए, वो करवाने चाहिए नहीं करवाने चाहिए, क्या तरीकेकार होना चाहिए, और ब्रीदिंग के लिए हमारे कॉलर ने पूछा कि कितने टाइम के लिए ये होनी चाहिए। देखिए ब्रीदिंग हमेशा, मैं पहले सवाल से आती हूँ, ब्रीदिंग जो है वो आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करते हैं, जो भी लंग्स आपकी कैपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता उसको करते हैं, तो ऐसे जिनको ब्रीदिंग का मेजर प्रॉब्लम है उनके लिए तो ब्रीदिंग टेक्निक्स योगा में इतनी अरबों खरबों ब्रीदिंग डिफरेंट टेक्निक्स हैं, सो उनको किसी न किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के साथ अगर वो अपने आस पास के कोई देख लें इलाके में, या शमशाद हैदर साहब की मेरी यूट्यूब पर चल है, हमारे नंबर्स चलते हैं वहाँ पे, हमें वो सिर्फ एक कॉल करके तो हमें तफसील देख सकती हैं। मेरा जिया केयर का एक पेज है, के लिए जिया आप इंशाल्लाह लाहौर आए तो जिस तरह से रुखसान साहब हमारे साथ अक्सर मौजूद रहती हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश भी है और हमें खुशी भी होगी कि आप लाहौर आए तो योगा से हवाले से हमारे स्टूडियो में भी आए, लोगों को अवेयर भी करें। बहुत शुक्रिया मेरे पास, थैंक यू सो मच जिया, एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट और दूसरा अगर जिया जैसी पर्सनैलिटी और सेलिब्रिटी योगा को प्रमोट मंडे हो और आपके सितारों के हवाले से बात ना हो, आपके स्टार्स के हवाले से बात करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। जब हफ्ते का आगाज़ होता है, पीर का दिन होता है, और तो बात होती है आपके सितारों के हवाले से कि किस किस के सितारे उरूज पर रहेंगे, किसका सितारा भी जवाल का शिकार है, सदका क्या होना चाहिए, और आपके जितने भी मसाइल हैं उनका हल कैसे निकाला जा सकता है, मुल्क की मईशत किस तरह मज़ीद आगे जाएगी, पाकिस्तानी करेंसी के हवाले से जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं उनमें कितनी सच्चाई हो सकती है, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि पीर वाले दिन अब सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जानने की कोशिश की जाए और आपके मसाइल का हल जाना जाए कि क्या हल निकल सकता है, हुकूमत क्या करने वाली है, या फिर अपोजिशन क्या कर सकती है इस हुकूमत के साथ, खान साहब क्या कुछ करेंगे या स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में ऑस्ट्रोपॉमिस्ट अली जैदी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, और माहिर फलकियात आगा बहिश्ती साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का, आगा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी मगर अली पहले मुझे आप ये बताएं नए हफ्ते का आगाज़ हो गया है, किस किस का सितारा बेहतरीन रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। सबसे पहले तो जो पहला बुर्ज एरीज़ है, इनका हफ्ता पूरा हफ्ता अच्छा गुजरेगा और इनका कारोबार भी मुनाफे में देख रहा हूँ, लेकिन ये जो अब हफ्ता शुरू होगा, हफ्ते वाले दिन 9:46 पर इनका बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है, इनको तालीमी अखराजात में इनके ताहम इजाफा होगा और घरेलू अखराजात भी बढ़ेंगे, टूरिस्ट घरेलू मुश्किलात का सामना रहेगा, लेकिन जोजैन के माबैन इख्तलाफात हो सकते हैं, माली पोजीशन मजबूत होगी और इनके कारोबारी फैसले में एहतियात की ज़रूरत है। जेमिनी, इनके हालात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना अब इनके लिए फ़ायदा मंद है और इनको बहुत सारी ऑफ़र्स आएंगी और ऑफ़र्स को साइन कर लेने में कोई हर्ज नहीं, वो इनके लिए फ़ायदा मंद है। कैंसर, माली मुश्किलात नज़र आ रही हैं, एहतियात की ज़रूरत है, नए मुआहदे फ़िलहाल लिए ना करें, तहम अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क इनके सफ़र नज़र आ रहे हैं, लियो तालीमी सफ़र में कामयाबी नज़र आती है, वकला इंजीनियर और टीचर के लिए बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है, और जिनकी शादियाँ लियो कि अब तक नहीं हुई अब उनके मामला शादियों की तरफ चले जाएंगे, और विर्गो उम्रा ज़ियारात के सफर इनको नजर आ रहे हैं, हाँ विर्गो का मैं बता रहा था, और उम्रा ज़ियारात के सफर नजर आ रहे हैं, फिलहाल को ये चेक और मुआहदा तहरीर ना करें, किसी को चेक साइन करके ना दें, और तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं इनकी सलाहियतों में निखार आ रहा है। लिब्रा, तब्दीलियाँ पॉजिटिव रहेंगी, पॉजिटिव जाएंगी। मिजान का भी बेहतरीन वक्त शुरू है और जो
बेरोज़गार हैं वो जॉब अप्लाई करें तो उसमें इंशाल्लाह इनको कामयाबी है। ताहम अभी भी इनके मामला कुछ ऐसे देख रहा हूँ कि किसी के साथ भी उलझे नहीं, उलझने से ग्रेज करें, कुछ ऐसे नज़र आ रहे कि उलझेंगे। और जो लोग ये लोहे का बिजनेस कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त इनका जाएगा। स्कॉर्पियो मंगल के दिन स्कॉर्पियो का बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है, मंगल रात को 10:06 पर जोहरा दर अकरब है, ये बड़ी नेक साथ है। और जो स्कॉर्पियन है वो इस दौरान अब इस हफ्ते से मंगल के दिन से कोई शादी ब्याह के या कुछ भी जो इनके मामलात फंसे हुए हैं तो उसके लिए इनका बेहतरीन वक्त शुरू हो चुका है। जो इनमें आर्टिस्ट हैं और जो डिज़ाइनर हैं किसी भी, और वो उनके लिए भी मामलात बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। सेजिटेरियस के सफरी मामलात अभी इल्तवा का शिकार रहेंगे। जो हामला ख़वातीन है सेजिटेरियस, इनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है इस हफ्ते में, और ताहम इनके बिगड़े हुए काम बनते रहेंगे। कैप्रिकॉन्स हैं, ये अभी ज़हनी दबाव का शिकार नज़र आते हैं, मामला ताहम इनके हक में रहेंगे लेकिन एक अनजाना सा दबाव इन पर रहेगा। कुछ सितारों की ऐसी कैफियत है लेकिन इनको कुछ मजबूरन कोई प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ सकती है। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए वक्त बड़ा सब्र आजमा है। बुर्ज दिल्लू इनका सोमवार के दिन 8:42 पर इनकी 7 पोजीशन शुरू हो रही है, यानी कि आज के दिन से 8:42 पर इनका टाइम बेहतरीन शुरू हो चुका है। इस दौरान किए जाने वाले तमाम कामों पर कामयाबी है। ताहम रिश्तेदारों से इनके मामलात बदस्तूर उलझे रहेंगे। बुर्ज होत, यानी कि हमें सारे जितने भी स्टार्स में मिला जुला रुझान हमें देखने में मिलेगा, और खुदा ना खास्ता किसी के हवाले से ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि जी इसको नुकसान हो सकता है, कुछ खराबी हो सकती है। आगा साहब मुझे ये बताएं, आपके सितारों की तो हम बात करते रहते हैं और अभी सब स्टार्स के हवाले से जैदी साहब ने हमारे साथ शेयर भी किया, मगर खान साहब की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं? चाइना का विजिट करने जा रहे हैं, ये विजिट कैसा रहेगा, हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, और किस्मत उनकी कैसी आप देख रहे हैं? أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين। बहुत शुक्रिया। और जैसे कि पिछले अक्वामे मुत्तहिदे के हवाले से हम लोगों ने आपके साथ ही पेशेंट गोई की थी, मैं और जैदी साहब ने जी। और कहा था कि खान साहब शानदार तरीके से पाकिस्तान का इमेज को बेहतर करेगा और कश्मीर को इस हद तक उठाएगा कि पूरी दुनिया तक कश्मीर का पैगाम पहुंचेगा। और उसी तरह मैं ये समझता हूँ चाइना का भी जो दौरा है खान साहब का बहुत शानदार होने वाला है। जो छोटे मोटे रकावटें मसले मसाइल है वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान दूर होने वाला है। और आज एक अहम बात जो सितारों की रोशनी से आपके सामने करने जा रहा हूं वो ये है कि मैंने मुस्तकिल पाकिस्तान का जो सितारे है वो बुलंदी की तरफ देखता हूं तो उसमें पैसा भी नज़र आता है, दौलत भी नज़र आती है, शोहरत भी, कामयाबी भी। अगले 10 साल में पाकिस्तान ने बहुत उरूज देखना है। पाकिस्तान दुनिया की महंगी करेंसी होने वाली है, तरक्की कामयाबियों से आगे बढ़ने वाला है। तो जब मैं ये तमाम चीज़ें देखता हूँ तो कहाँ से ये सारे असबाब मुहैया होंगे गौर करता हूँ तो उसमें हमारे हमसाया हमारी दोस्त मुल्क चाइना ही नज़र आता है कि चीन वाहिद वो मुल्क है जिसके दोस्ती, जिससे हम मिलने से, जिसके साथ काम करने से, जिसके साथ आगे बढ़ने से चाइना ही हमारी मदद करेगा और चाइना के ज़रिए पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। और मैं ये कहता चलूँ कि जैसा हमारा सामने अमरीका भी है, अमरीका को जब पाकिस्तान के मुकाबले में देखता हूँ तो मसाइल मुश्किल परेशानियाँ रकावटें नज़र आती हैं। और मुझे ये लगता है कि हमारे हुकूमत को और मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के तरफ हाथ बढ़ाएं, उनके साथ मजबूत रिश्ते बनाएं, मजीद जितने रिश्ते हैं उनको और यानी मजबूत करें। चाइना ही कल हमारी मदद करेगा, चाइना के ज़रिए ही हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान तरक्की, ये जो हमारा अभी जो रास्ता बनने वाला है और गवादर तक, इसी रास्ते के ज़रिए पाकिस्तान ने आगे बढ़ के उरूज की तरफ जाना। सुर्ख और सुर्ख पाकिस्तान की खैर खवाई इसी में है कि चाइना के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे,
تو پھر پاکستان ترقی کرے گا. اگر امریکہ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو مسائل مشکلات مجھے نظر آتے ہیں. البتہ خان کا دورہ شاندار نظر آتا ہے, عروج اور کامیابیوں کے طرف نظر آتا ہے, پاکستان کے لیے بہت پیسے لے کے آئیں گے, نئی ترقی اور نئی راستے کھلیں گے, کشمیر کا امیج بہتر کریں گے, آگے بڑھائیں گے. خان کا ستارہ اس وقت الحمدللہ 111 گھر پر داخل ہے, اپنے عروج کی طرف پرواز کر رہا ہے, جس کا اثر پاکستان پر پڑے گا. مولانا فضل الرحمان کے ذریعے عمران خان کے لیے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی مجھے اپنی علمی استطاعت کے مطابق بالکل نظر نہیں آتی ہے. اور تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر ہے کہ اور جمعیت علماء اسلام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. ہاں بالکل, یہ جو آپ نے جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے بات کی, میں اس پہ کوشچن کروں گی آپ سے, مگر ابھی ہمارے کالر موجود ہیں ان سے بات کر رہے ہیں. پہلے کالر ہمارے ساتھ عالیہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں. جی میری بہن عالیہ کوشچن کیجیے. عالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی وعلیکم السلام. بھائی کا نام ہے کاشف. جی جی. والدہ کا نام ہے صفیہ. جی. اور باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نام ہے محبوب احمد. محبوب. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کوشچن کیجیے, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ان کی تاریخ پیدائش ہے 19 جولائی 1990. میں معذرت کے ساتھ عالیہ, آپ کی آواز نہیں سن پا رہی, معذرت کے ساتھ آپ دوبارہ سے کال کیجئے تاکہ آپ آرام سے ہمارے ساتھ بات کر سکیں. ہینا ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی ہینا آپ کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ ہینا ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ہینا بات کیجئے. جی آپ ابھی سٹارز کے بارے میں بتا رہی تھی, مجھے جانا تھا لاسٹ سٹار آپ نے 22 چھوڑ دیا. ارے واہ بھائی آپ کا سٹار ہم تو چھوڑ گئے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی پائسز کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو ہینا آپ کی کال کا. ابھی معذرت کے ساتھ آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ ٹی وی کا والیوم آف کرنے کے بعد ہمارے ساتھ بات کر سکیں تاکہ آپ اور ہم آرام سے بات کر سکیں, آپ کا سوال لے سکیں اور آپ کو جواب دے سکیں. کشف ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر موجود ہے. جی کشف آپ کا کوشچن کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے نا اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. نام میرے بھائی کا نام ہے ابرار. جی تو فیوچر کے بارے میں پوچھنا ہے, مطلب ابروڈ میں اس کا کاروبار صحیح رہے گا یا پاکستان میں؟ ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر بہتر آپ سمجھیں کشف تو اپنے والدین کے نام ہمارے ساتھ شیئر کر لیجیے. جی میری امی کا نام ہے شکیلا. جی. اور ابا کا نام ہے محمد اشرف. ٹھیک ہے. بھائی کے وہ یاد ہے آپ کو کس وقت پیدا ہوئے ہیں؟ میرے بھائی گرمیوں میں عشاء کے ٹائم کے وقت پیدا ہوئے. ٹھیک ہے ہم ابھی پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو آپ نے کال کی. اچھا آغا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, مگر ہماری ایک کالر نے کہا کہ آپ نے سارے سٹارز بتائے, پائسز آپ لوگ بھول گئے. آغا صاحب یہ دیکھ لیے, زید صاحب اس طرح نہ کریں آپ, ہمارے بہت سارے لوگ ہیں مس کر جاتے ہیں. پھر پائسز کا بتائیں آپ. پائسز کا بدھ رات کے وقت 9:05 پر ان کا بہترین ٹائم شروع ہو رہا ہے, نیا کام کر سکتے ہیں اس وقت. سفر جاب اپلائی کے لیے بہترین وقت ہے, پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے ان کا بہترین وقت ہے, اور ترقی کے مسائل ترقی ان کو نظر آتی ہے. اگر گھریلو مسائل ہیں کوئی گھریلو مسائل کے لیے یہ سفید چیزوں کا صدقہ دے لیں. کس دن؟ یہ ہفتے کے دن سفید چیزوں کا صدقہ دیں, جیسے چینی ہے, چاول ہے, آٹا ہے, یہ تین چیزوں میں سے حسب توفیق ایک پاؤ سے لے کے 1 کلو تک کے درمیان یہ صدقہ دے سکتے ہیں. صدقہ دے سکتی ہیں, وائٹ چیزوں کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آغا صاحب, ایک کالر ہماری تھی بہن کشف, اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. 8 اگست 1994 عشاء کے وقت وہ پیدا ہوئے ہیں, ان کا فیوچر کیسا رہے گا؟ کام یہاں پر زیادہ چلے گا یا پھر انہیں بیرون ملک بھیج دیا جائے؟ دیکھیں اس حساب سے جو اپنے بھائی کے بارے میں کشپ نے سوال کیا, ان کے بھائی کا جو ذائچہ ہے وہ عروج کی طرف ہے, خوشی کامیابی دولت عزت کی طرف ہے. البتہ اگر یہ کوشش کرتا ہے یورپ کی طرف جانے کی تو بہت شاندار اس کے لیے موقع فراہم ہوں گے. ان کو فی الحال جاب کی طرف دیکھنا ہوگا اور تجارت سے اجتناب کرنا پڑے گا, اور قرض کے معاملات سے بھی احتیاط کرنی پڑے گی. باقی اپنی زندگی میں جاب جب یہ 36-37 سال کی عمر کراس کرے گا پھر اس کے بعد یہ تجارت کی طرف جا سکتا ہے. اس وقت تک اس کے پاس وسائل, پیسہ, دولت کی جو اپنی کام یعنی اپنی جاب کے ذریعے جو حاصل کرے گا اس سے بہتر مستقبل کی طرف بڑھے گا. بڑا بھلے چھوٹے کام سے شروع کرے تجارت کی طرف 36-37 یا 38 سال کے درمیان یہ آگے بڑھے گا تو ان کے لیے بہت اچھے موقع آنے والے ہیں. البتہ ان کے ذائچے کے حساب سے ان کے ذائچے میں عروج ہے, الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وقتی مسئلے مسائل ضرور ہے,
سورہ دخان اور سورہ عنکبوت کے اگر یہ تلاوت کریں نماز کی پابندی کے ساتھ, اور ایک چھوٹی سی ورد ہے یا اللہ یا لطیف یا کریم, یا اللہ یا لطیف یا کریم کے ایک ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھے گا, آج کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو پکڑے گا, راستے بنائے گا, انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری ہوگی. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں سمیرہ, ان سے بات کرتے ہیں. جی سمیرہ بات کیجیے. السلام علیکم. آپ وعلیکم السلام. میں آپ کے چینل کی بہت بڑی فین ہوں اور تعریف کرنا چاہتی ہوں. تھینک یو. اور میں نے نا آپ ہی, میں نے اپنی بڑی سسٹر کے بارے میں پوچھنا ہے. جی پوچھیں. میں نے اس کی شادی کے بارے میں اور جاب کے بارے میں پوچھنا ہے. اچھا چلیں سمیرہ, پہلے تو آپ اپنی بڑی سسٹر کا نام بتائیں مجھے. سمینا کوثر. سمینا کوثر, ان کی ڈیٹ آف برتھ پتا ہے آپ کو؟ ہاں جی 22 جنوری 1988. ٹھیک ہے 1988. اور اماں ابا کا نام بھی شیئر کر سکتی ہیں آپ؟ جی جی, شمیم اختر اور محمد رفیق. شمیم اختر محمد رفیق. کس وقت پیدا ہوئی ہیں آپ کی بہن؟ اوہو چلیں, یہ تو آپ کو نہیں پتا ہوگا, مگر سمیرہ آپ دیکھتی رہیں, ابھی ہم آپ کی سسٹر کی شادی اور فیوچر کے بارے میں بتا دیتے ہیں. تھینک یو کال کیا آپ نے. نقی حیدر میرے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی نقی حیدر بات کیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پتا کرنا تھا. جی جی میرے بھائی بات کیجیے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. اپنے بیٹے کا نام بتائیے ہمیں. حنین علی. سید حنین علی. سید حنین علی. تاریخ پیدائش بتا دیجیے. 1 نومبر. جی 1994. جی کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ؟ کوئی کاروبار کرنا ہے, اس کے لیے پریشان ہے کوئی. اچھا ٹھیک ہے, والدہ کا نام بتا دیجیے سید حنین کی. سید حنین کی. شہر بانو. شہر بانو ٹھیک ہے میرے بھائی, ابھی پوچھ لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. خرم شہزاد میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی خرم آپ کا سوال کیا ہے؟ جی راجا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سسٹر میں نے یہ پتا کرنا تھا کہ میرا نام راجا خرم شہزاد اور ولدیت راجا لیاقت حسین, والدہ کا نام ہے طاہرہ لیاقت. جی اور ڈیٹ آف برتھ ہے 5 جون 1978. جی اور جو پیدائش کا وقت ہے ان کے والد کے نام بھی پوچھے گا ذرا. فجر کا. جی جی فجر کا وقت ہے. ٹھیک ہے کیا پوچھنا ہے میرے بھائی؟ میں ساؤتھ کوریا میں تھا اور وہاں میں 15-16 سال رہا ہوں, اب 2-2.5 سال سے ہوں, کوئی کاروبار نہیں ہے, تو کائنڈلی کچھ بتائیں کہ میں کیا کروں جو میرے لیے سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی ابھی پوچھ لیتے ہیں, بہت شکریہ آپ نے کال کی. اچھا سب سے پہلے تو نقی حیدر کے حوالے سے زیدی صاحب آپ بتائیں, ان کے بیٹے ہیں سید حنین, ان کی والدہ کا نام شہر بانو ہے, 1 نومبر 1993 کو یہ پیدا ہوئے ہیں, تو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا اچھا ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ تجارت کریں تو ان کے لیے بہتر ہے, اور ان کے ذائچے میں سورج کی علامات ہیں, یعنی کہ یہ اپنے خاندان میں سے بہت بڑا نام پیدا کرے گا, اور یہ بچہ نام بہت زیادہ کمائے گا اور پیسہ بھی بہت زیادہ. اس کا بخت بلند ہے. تجارت کوئی بھی ہو سکتی ہے یا کسی خاص چیز کی تجارت سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے؟ کپڑا لوہا اس کے عنصر ہے اس کے ذائچے کا, تو کپڑے اور لوہے کے متعلق کرے تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہوگا. اور جو یہ خرم نے بتایا ہے, خرم کے معاملات ابھی 2 ماہ مزید جو ہے وہ الجھتے مجھے نظر آ رہے ہیں, لیکن ان کو صدقہ دینا چاہیے, بدھ کے دن صبح کے وقت یہ صدقہ دیں, مونگ ثابت, گائے کا گھی اور باجرہ, ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا صدقہ دیں. یہ تقریباً 0.5 کلو کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ کسی پرندے کا گوشت بھی صدقہ کریں. ٹھیک ہے پرندے میں مرغی بھی آتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. آغا صاحب مجھے یہ بتائیں سمیرہ کا سب سے پہلے کہ اپنی بڑی بہن کی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں. سمینہ ان کا نام ہے, 22 جنوری 1988 کی پیدائش ہے, اور شمیم اختر ان کی والدہ کا نام ہے, محمد رفیق ان کے والد کا نام ہے, تو اس میری بہن کی شادی کب تک ہو سکتی ہے, اس کے فیوچر کے بارے میں بتائیں. دیکھیں ان کے سمینہ کوثر کا جو سیارہ ہے شادی کے پچھلے 7 سال سے موجود ہے, اگلے 3 سال تک اس کی شادی کے جو سیارہ ہے موجود ہے. جن کے سیارہ شادی کے داخل ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ اس کی شادی ہو سکتی ہے, ہونے کے امکانات بہت زیادہ موجود ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کی شادی کے لیے کوئی رکاوٹ یا کوئی مسئلہ ہے. البتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ بچوں کی شادی
شادی کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ طٰہٰ کی تعلیم فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا یا علی سورہ یاسین کی 10 فائدے ہیں, ان میں سے ایک فائدہ اگر کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا یا کوئی خاتون یا کوئی مرد ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے. اور یہ دونوں سورہ آپ یہ سمینہ کوثر بھی پڑھے اور دیکھنے والا کوئی بھی جس کی شادی کی پرابلم ہے نماز فجر کے بعد, علماء عرفان کہتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کم از کم 21 دن تک یا کم از کم 3 مہینے تک اگر کوئی تلاوت کرے تو ان کی جلدی شادی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نماز شرط ہے اور نماز کی پابندی کے ساتھ ان دونوں سورے کے کرے تو انشاءاللہ سب کی شادی ہو جائے گی اگر یہ دونوں سورے پڑھیں. بس اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتری کرے. آغا صاحب, آپ جب بات کر رہے تھے پولیٹیکلی تو آپ نے مولانا صاحب کی بھی حوالے سے بات کی تھی. اب خان صاحب کو ہر معاملے میں تو چائنا کے سپورٹ نہیں کرے گا, اب خان صاحب کو ٹف ٹائم دینے والے ہیں مولانا فضل الرحمان 27 اکتوبر کو. مارچ ان کا کامیاب ہوگا نہیں ہوگا یا خان صاحب بس درم برم کر دیں گے سب کچھ؟ دیکھیں, ہم اس کے یہ تو مطلب نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام یا مولانا فضل الرحمان کچھ کرنے والا نہیں ہے, کچھ کریں گے ضرور ہے. وہ بھی اپنی مدرسوں سے یا مختلف اپنے چاہنے والوں کے ذریعے وہ آئے گا میدان میں. کچھ بہت سے لوگ سپورٹ کریں گے کہ خان صاحب کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. البتہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے خان صاحب کی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے تو خان صاحب کے ستاروں میں اس کی حکومت کے لیے نہ کوئی پرابلم, نہ کوئی مسئلہ, نہ کوئی پریشانی دور دور تک نظر نہیں آتی ہے. تو اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے جو سیارہ ہے اپنی جگہ مضبوط ہونے کے باوجود بھی تحریک انصاف کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے, کوئی پریشانی کی باعث نہیں بنے گا. ہنگامے ہو سکتے ہیں, باتیں احتجاج بھی ہو سکتے ہیں, دھرنے بھی ہو سکتے ہیں, وقتی طور پر تھوڑی سے مسئلے مسائل بھی ہوں گے. اور اس کے علاوہ خان صاحب جو ہے وہ اپنی حکومت کو آگے بڑھائے اور اپنے 5 سال پورے کرے گا, خان صاحب کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. البتہ میں آپ کے ایک اور بات کا اضافہ کروں, آنے والا اس 2-3 مہینے کے اندر اندر یہ نوٹ کریے مہنگائی میں بھی کافی کمی آنے والی ہے. اچھا, اگلے جو آنے والا پیٹرول میں بھی کافی سستا ہونے والا ہے اور کافی چیزوں میں بہتری آنے والی ہے. تھوڑی ڈالر کے حوالے سے تھوڑے سے 19-20 کی نظر آتی ہے. اسٹاک ایکسچینج میں اگلے 10-12 دنوں میں بہتری کے ساتھ آگے بڑھے گا. پاکستان کے لیے بہت اچھی خبریں آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں موجود ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایک احتجاج ہے, اپنے احتجاج ریکارڈ کروا کے اپنے گھر مولانا صاحب واپس لوٹ جائیں گے. چلیے, تو اس کا مطلب ہے خان صاحب کے لیے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں, کوئی مشکلات نہیں ہیں خان صاحب کے لیے, سب کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہے. پاکستانی آرام سے اپنے کاروبار کرے, کام کرے, کوئی مسئلہ نہیں. خان صاحب کے سیارے بلندیوں پر ہے اور پاکستان اپنی عوام کے لیے طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا زیدی صاحب, مجھے یہ بتائیں, اب آج جو بڑا زبردست ڈے بھی ہے اور انتظار بھی ہے وہ ہے میچ سے ریلیٹڈ, پاکستان اور سری لنکا کا میچ ہے. تو عمر اکمل اور احمد شہزاد جن کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا, انفارچونیٹلی وہ پرفارم نہیں کر سکے, ہمارا کپتان سلو نظر آیا ہمیں, آج کا میچ کیسا رہے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے, لیکن اگر ہم ستاروں کی ساتھ دیکھیں جائے اس کے لیے ہمیں اس ٹائم کو دیکھنا ہوتا ہے, سارے پلیئرز کی پوزیشن کو دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے کیپٹن ہیں ان کو 20 فارمیٹ سوٹ کرتا ہے ان کے ستاروں کے ساتھ, یہ شارٹ فارمیٹ اتنا اچھا پرفارم ہی نہیں کیا انہوں نے, شارٹ فارمیٹ ان کو سوٹ کرتا ہے. تو پاکستان, میرے علم کے مطابق آج پاکستان کی جیت ہوگی اور پاکستانی پلیئر جو پچھلے میچ میں نہیں پرفارم کر سکے وہ ممکن ہے کہ اس میچ میں پرفارم کریں گے. اور رسک لینا چاہیے یعنی کہ ہاں, آج پاکستان کا یہ دن ہے, آج انشاءاللہ میچ پاکستان جیتے گا. اور یہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ایک دو بات میں بھی بتانا چاہتا ہوں. ان کے میں نے ان کے ہاتھ بڑے بڑے غور سے پڑھے ہیں اور 27 اکتوبر کے زائچے کو بھی میں نے بڑا غور سے پڑھا ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ تو جو ان کے ہاتھ ہیں تو یہ یعنی کہ ان چیزوں سے نہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, یعنی کہ ان کے دل میں کچھ نہ کچھ لگا رہے گا کہ یہ کچھ کریں. لیکن شمسی لکیر بالکل ماند ہے, یعنی کہ اب ان کا سیاست میں اقتدار میں کوئی رول نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں رول ملے گا. یہ آئیں گے چلے جائیں گے, اور جو ان کے ساتھ اتحادی جماعتیں ہیں جو وعدے وعید کر رہے ہیں کہ ہم آئیں گے آپ کے ساتھ, تو ان میں سے اتحادی جماعتیں کچھ بھی نہیں نظر آئے گا. اس میں ہماری دعا اور سپورٹ ہوگی, اس میں سے کچھ
भी नहीं नजर आएगा, वहां पे मौजूद नहीं होंगे। अच्छा आगा साहब मुझे ये बता दें, आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग जानना चाह रहे हैं कि भी आज पाकिस्तान और श्रीलंका में कौन जीतेगा, मैच कैसा होगा, उमर अकमल की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, अहमद शहजाद अच्छा खेलेगा नहीं खेलेगा, या आज सरफराज फिर हमें धोखा दे जाएगा। नहीं बिल्कुल, मैंने उमर अकमल और शहजाद के हवाले से तो नहीं देखा, अल्बत्त कप्तान के हवाले से मैंने ज़रूर देखा कि आज के दिन पाकिस्तान जी आज के मैच जो है वो पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान के हक में है और पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन है, कप्तान का सितारा बहुत ज़बरदस्त है, बनिस्बत आज के मैच बहुत आसानी से पाकिस्तान आज के मैच जीत जाएगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। चलिए इस अच्छी बात के साथ ही मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा कर देती हूँ। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अली जैदी थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया और ये बड़ी अच्छी और प्यारी बात उन्होंने कि पाकिस्तान आज विनिंग पोजिशन पर खड़ा हमें नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह ताला हम सब दुआ करते हैं कि हमें अच्छा मैच देखने को मिले। चलिए इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए और आज के शो का फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।